हाँ भाई बच्चों, 12 बजे की स्लो लोकल। हाँ हाँ ये बताइए, कोई भी एक बच्चा कि आइसोमेरिज्म में हमने क्या-क्या कर लिया था? स्ट्रक्चरल में आयोनाइजेशन कर लिया था। So, the last isomerism we did was coordination isomers बेटे एक and बार चेक करा था, सुन सुन मेरी बात। आयोनाइजेशन कर लिया, यस। yes sir. अच्छा, हाइड्रेट सॉल्वेट कर लिया, हाँ सर. लिंकेज कर लिया बेटे, कोऑर्डिनेशन हाँ सर. यस सर. आइसोमर्स कर लिया बेटे, पोजीशन यस सर. यस सर. कोऑर्डिनेशन, यस यस सर. यस यस सर. यस सर, यस सर. लाइगेंड आइसोमर्स, यस सर. यस यस सर, सर. पॉलीमराइजेशन और पॉलीमराइजेशन भी कर लिया। चलिए भाई, अब देखिए भाई, यस बेटे, बेटा हाँ, रिलैक्स रिलैक्स, मुझे याद है। तो बेटे देखिए, मतलब मैंने आपको इसलिए दिया था कि हम थोड़ा जल्दी जा सके, मतलब क्योंकि वैसे ही हम, मैंने कहा ना स्लो लोकल है आपका बैच। तो और दूसरी बात देखिए, मेरे पास काफी बच्चों के मैसेजेस आए कि सर जो एक दो बच्चे बहुत स्लो लिखते हैं उनको आप इग्नोर कर दो, और उनके टेंटरम्स को मतलब आप ध्यान मत दो, और आप अपने स्पीड से जैसे पढ़ाते हो वैसे पढ़ाओ। तो मैं मोस्टली वही करने की कोशिश करूंगा, ठीक है? तो आप भी मतलब थोड़ा जल्दी लिखने की कोशिश करेगा, और भाई आज हम एक्स्ट्रा भी लेंगे, 10-15 मिनट एक्स्ट्रा लेंगे। जिसको नहीं करना हो वो हाँ चलेगा, चलेगा सर. कोई दिक्कत नहीं. यस सर. जिसको सर नहीं, और वो कल लास्ट टाइम का होमवर्क कल डिस्कस करेंगे ना. नहीं बेटे मैं कल आज ही कर, डाउट्स है आपका 2 घंटे का. हाँ बेटे मतलब उसमें मैं बताऊंगा क्या करूंगा। अभी हम स्टार्ट करते हैं स्टीरियो आइसोमर्स, राइट? तो अब देखिए साहब, स्टीरियो आइसोमर्स में या स्टीरियो आइसोमर्स में हम दो पार्ट देखने जा रहे हैं। भाई ये तो सभी को पता है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होता था इसमें एक, और एक क्या होता था बच्चों? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है? तो अब देखिए साहब, भाई पहले हम बात करेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर टू की। बच्चों कोऑर्डिनेशन नंबर टू में अरेंजमेंट क्या होगा? लीनियर अरेंजमेंट होगा, ठीक है? और इसमें देखिए, मतलब ये मान लीजिए इस तरह से मेटल ऐसे, तो बेटे ये देखिए, ये पोजीशन इससे 180 है, ये पोजीशन इससे 180 है। तो हम कह सकते हैं कि भाई इनमें मतलब लीनियर में पोजिशंस आर ज्योमेट्रिकली आइडेंटिकल और सेम, आर ज्योमेट्रिकली आइडेंटिकल, और क्योंकि पोजीशंस ज्योमेट्रिकली आइडेंटिकल है तो इसका मतलब यहाँ पे नो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म इज पॉसिबल। पार्टिकल्स, कोई दिक्कत तो नहीं है? नो सर. नो, क्लियर. वेरी गुड बेटे। कोऑर्डिनेशन नंबर थ्री, कोऑर्डिनेशन नंबर थ्री यू हैव ट्राइगोनल, ट्राइगोनल लिख रहा था मैं, ट्राइगोनल प्लेनर अरेंजमेंट। और भाई ट्राइगोनल प्लेनर अरेंजमेंट कैसे होता है बेटे? एम, ये ऐसे होता है, आपको सभी को पता होगा। तो अब देखिए, ये 2 से 120 पर है, ये 2 से 120 पर है, ये 2 से, सारी पोजीशंस इसमें भी क्या है भाई? पोजीशंस आर ज्योमेट्रिकली सेम, एंड अगेन देयर विल बी नो जी आई देयर। बच्चों ऑल इज वेल? यस सर. अच्छा अब एक बार बताइए बच्चों, भाई ये मैं ले लूँ अगर बोरोन फ्लोरीन क्लोरीन और ब्रोमीन, आप समझ रहे हैं, इसमें प्लेनोसिमेट्री होगी कि नहीं होगी, बताइए जल्दी से। यस सर. यस सर, द प्लेन यस इट सर, सेल्फ. हाँ प्लेन वेरी प्लेन गुड, ऑफ मॉलिक्यूल. या वेरी गुड वेरी गुड। मॉलिक्यूलर प्लेन जो होगा वो प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा। तो अब देखिए बेटे, इन दोनों में भी क्या है? प्लेनर अरेंजमेंट है, बात समझ रहे हो? प्लेनर अरेंजमेंट है, तो इनमें भी क्या होगा? मॉलिक्यूलर प्लेन प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा, इसीलिए भाई लीनियर और ट्राइगोनल प्लेनर में ऑप्टिकल भी नहीं होगा बच्चों, राइट? कैन यू प्लीज रिपीट इट. या आई आई गिव यू पॉइंट ओवर दिस। आई एम सेइंग कि लाइक लीनियर एंड प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर, दे विल बी हैविंग मॉलिक्यूलर प्लेनर एज प्लेनर सिमेट्री, सो दे विल बी ऑल मतलब मोस्टली ऑप्टिकली इनएक्टिव। व्हाई आई एम सेइंग मोस्टली ऑप्टिकली इनएक्टिव, आई विल डिस्क्राइब, लाइक मैं इसकी बात करूंगा, बट अभी नेक्स्ट पेज पे। डन सर. डन सर. डन वेरी सर. गुड, डन सर. चलिए बहुत मजेदार। भाई लिखिए साहब डन इस बात सर. को, थैंक यू, लिख दीजिए बच्चों कि
कि भाई भाई लीनियर एंड ट्राइगोनल प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस, लीनियर एंड ट्राइगोनल प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस विल बी हैविंग मॉलिक्यूलर प्लेन एज देयर प्लेन ऑफ सिमेट्री, विल बी हैविंग मॉलिक्यूलर प्लेन एज देयर प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड हेंस दे विल बी मोस्टली ऑप्टिकली इनएक्टिव एंड हेंस दे विल बी मोस्टली ऑप्टिकली इनएक्टिव. और बच्चों देखो इधर, मैंने क्यों कहा है कि मोस्टली, क्योंकि मान लीजिए अगर लाइगेंड में काइरल सेंटर हुआ देन इट कैन ब्रिंग काइरलिटी टू द मॉलिक्यूल. बात समझ रहे हैं? Yes, sir. है ना? तो मोस्टली ऑप्टिकली इनएक्टिव अनलेस, इसमें आगे लिखिएगा, अनलेस देर इज अ काइरल सेंटर, अनलेस देर इज अ काइरल सेंटर और यूनिट, अनलेस देर इज अ काइरल सेंटर और काइरल यूनिट, और काइरल यूनिट इन वन ऑफ द लाइगेंड, इन वन ऑफ द लाइगेंड. ठीक है बच्चों? यस. और ब्रैकेट में लिख दीजिए, ब्रैकेट में लिख दीजिए, इफ लाइगेंड ब्रिंग्स कायरलिटी, कायरलिटी लाइगेंड की वजह से आएगी. अब देखिए भाई, हम देखते हैं टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस. जो क्वेश्चंस दिए थे वो अटेम्प्ट करें बच्चों? जी सर. यस सर. करें सर, वो ऑक्टाहेड्रल बहुत डिफिकल्ट लग रहा है. कोई बात नहीं यार, मैं करूंगा ना आज तो, मतलब तब आसान लगेगा, चिंता मत करो ना. बस तुम अटेम्प्ट ओके करके सर. रखे होंगे ना, तो आपको समझ में भी ज्यादा आएगा और मतलब थोड़ा जल्दी भी आएगा, यू नो. तो चलिए देखिए, अब बेटे टेट्राहेड्रल देखिए भाई. टेट्राहेड्रल आप सभी मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से लड़ते आ रहे हो तो सभी को पता होगा टेट्राहेड्रल कैसा होता है. बेटा ऐसा होता है, और देखिए इसमें भी एक तीनों से 109 है, ये तीनों से 109 है, सारी पोजीशंस रिलेटिवली तीनों से 109 है. तो मतलब अगेन यहाँ पे क्या हो गया, पोजीशंस आर ज्योमेट्रिकली भाई आइडेंटिकल, और इसका मतलब भाई नो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस. ऑप्टिकल हो सकता है, बिल्कुल होगा, हम देखेंगे. ये पहले आप कॉपी कर दीजिए, बहुत थोड़ा सा ये है. सर, आपने वो नोट में एंड में क्या बोला, ब्रैकेट में, इफ लाइगेंड ब्रिंग्स कायरलिटी, इफ लाइगेंड ब्रिंग कायरलिटी, बस इतना ही. मतलब है ना, मतलब कि लाइगेंड अगर कायरलिटी ले आया तो कायरल हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता है. ओके सर. डन सर. डन सर. डन. मैं छोड़ा दूं? हां सर. चलिए. यस सर. थैंक यू. चलिए अब देखिए बच्चों भाई, बेटे हम टेट्राहेड्रल देख रहे थे कॉम्प्लेक्सेस. यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कॉम्प्लेक्स, और यहाँ पे आपको लिखना है नंबर ऑफ प्लेन्स ऑफ सिमेट्री. ठीक है, जल्दी जल्दी बताइए मुझे. कितने कितने प्लेन सिमेट्री होंगे इनके सामने लिखना है. और मैं एक बात और बताता हूँ बच्चों, ये पोर्शन जितना भी है ना स्टीरियो वाला, इसमें कोई रट्टाफिकेशन कुछ नहीं है, ये सिर्फ सिंपल आईक्यू वाला गेम है. आप समझ रहे हो? मतलब इसको इन्वॉल्व होके करिएगा, अगर क्लास में पार्टिसिपेट करेंगे तो आगे के लिए बहुत फायदा होगा. यस, बताएंगे एम ए फोर में कितने प्लेन सिमेट्री आ रहे हैं? सिक्स, फोर से टू. ये टेट्राहेड्रल का हमने पहली बात करी है कि भाई चार में से दो चीजें सेलेक्ट कर लेंगे,
तो प्लेनर सिमेट्री आएगा. तो आप एक तो इमेजिनेशन से कर सकते हैं कि भाई इमेजिन करें प्लेन्स, और दूसरा मैथमेटिकली कर सकते हैं. इमेजिनेशन से कैसे होगा भाई, एक इधर आएगा, एक इधर तीन, और एक इधर से चार, एक इन दोनों से पास करता हुआ. मतलब कर वही रहे जो मैथमेटिकली कर रहे हैं, वो इमेजिनेशन से कि हर एक दो का सेट ले रहे हैं, तो कोई भी दो को सिलेक्ट करेंगे तो उससे पास करता हुआ प्लेन प्लेनर सिमेट्री आएगा, 4C2 प्लेन ऑफ सिमेट्री. इसको बेटे हम सिग्मा 6 सिमेट्री भी बोल देते हैं. मतलब देखिए सिग्मा एन मतलब अगर एन प्लेन्स ऑफ सिमेट्री हो तो हम बोलते हैं इसको सिग्मा एन सिमेट्री. अच्छा यहाँ पे क्या आ गया, सिग्मा 3, गेटिंग इट बच्चों? यहाँ पे भी सिग्मा 3, कोई लोड तो नहीं है? नो सर. किसी को भी दिक्कत हो देखिए तुरंत पूछ लीजिएगा. मतलब डोंट सर, MA 3 B में कैसे 3 प्लेन सिमेट्री है? सर एक होगा ना जो A और B के थ्रू पास करता होगा. वेरी गुड बेटा, आपका नाम बताइए. सर कृष. कृष, तो कृष दूसरी बात देखो मैं आपको बताता हूँ, जब मैं यहाँ पे लिख दूंगा ना तो आप ये पूछिए कि ये कैसे होगा. आप ये मत कहिए कि ये गलत है, ये होगा. आप समझ रहे हैं? तो पहली बात ओके बेटे. दूसरी बात देखिए बेटे, यहाँ पे ये डिफरेंट है ना, तो अब दोनों okay, से सॉरी सर, आई गॉट इट सर, ऑल तीनों से एक एक जाते हुए हो जाएगा. सॉरी. हाँ कोई बात नहीं बेटे. तो मतलब देखिए ये देखिए क्रिश, कि मतलब ये दो ए से पास करता हुआ नहीं आएगा, ए से पास करता हुआ नहीं आएगा, बी तो लेना ही पड़ेगा. तो बी तो एक सिलेक्टेड है, इन तीन में से एक सिलेक्ट करना है. बोले बच्चे? यस सर, गॉट इट सर. ओके बेटे. सर एक बार आप फिर बताएंगे सिग्मा 3 कैसे आया एमए 3 बी और एमए बी 3 में? भाई मैंने अभी जस्ट कंप्लीट करा है, आपने सुना उसको? नहीं मैं सुन नहीं पाया, लिख रहा था, सॉरी. भाई देखिए ऐसे आप दूसरे बच्चे को टाइम वेस्ट मत करिए, मतलब है ना. सॉरी सर. नाम सर श्रेयांश. श्रेयांश, तो मैंने कहा कि बी को सिलेक्ट करना ही पड़ेगा, ए इन तीनों में से एक सिलेक्ट करेंगे तो सिमेट्री आ जाएगा. सिग्मा 2 भाई, सिग्मा, और देखिए लिखने के लिए मैं आपको अलग टाइम दे रहा हूँ, और ये मतलब इस तरह का बहाना मत मारिए कि मतलब मैं लिख रहा था, मैं सुन गया, अच्छा नहीं लगता भाई. आपको लिखने के लिए टाइम दिया जाएगा, है ना. क्वेश्चन जब डिस्कस कर रहे हैं तो आप देख लीजिए. तो इसमें एम ए टू बी टू सिग्मा 2 दो ए से पास करता हुआ, दो बी से पास, एक प्लेन दो ए से पास करता हुआ आएगा, एक प्लेन दो बी से पास करता हुआ आएगा. एम ए टू बी सी में बताइए अपने आप. सिग्मा 1, सिग्मा 1, वेरी गुड. कौन सा? बी सी से पास करता हुआ प्लेन. परफेक्ट है. इसमें नो सिग्मा, ठीक है. अच्छा बेटे देखिए, कभी भी टेट्राहेड्रल में पॉइंट ऑफ सिमेट्री आ भी नहीं सकता. मतलब जैसे इसी को देख लीजिए, बी ऊपर जा रहा है, नीचे तो बी नहीं आ रहा है ना, ए इधर आ रहा है, ऑपोजिट नहीं आ रहा है. तो नो सिग्मा और आई, आई मतलब बेटे होता है पॉइंट ऑफ सिमेट्री और पॉइंट ऑफ इन्वर्जन, ठीक है. एम ए टू में कितने आएंगे ये बताइए. सिग्मा 2. आपका नाम? सर जयशंकर. जयशंकर, वेरी गुड बेटे, शाबाश. भाई देखिए एम ए टू में जयशंकर ने वैसे तो बता दिया है, देखिए समझिएगा बात को. अब इसमें 6 नहीं आएंगे बेटे, इसमें ये देखिएगा वो बच्चा कौन सा था जो लिख रहा था, देख रहा था बेटे, तू देख रहा है ना अभी यहाँ पे? हाँ सर सुन रहा हूँ मैं, लिखना ही छोड़. हाँ लिखना छोड़ दो. तो देखिए ए ए दोनों कनेक्टेड है बच्चे, ठीक है. देख लीजिए ए कनेक्टेड है, ये दोनों कनेक्टेड है. तो एक प्लेन आएगा दोनों ए से पास करता हुआ, एक प्लेन आएगा इन दोनों ए से पास करता हुआ, दो ही प्लेन आएंगे, राइट? कोई लोड तो नहीं है इसमें? इसमें कितना आएगा बताइए. सर वो प्रीवियस वाले में एक स्मॉल डाउट रहेगा, वो एक एक लाइगन का ए और दूसरे लाइगन का ए लेके एक प्लेन के. मैं समझ गया, आपका नाम बताइए. मानवी. मानवी, देख मानवी ये नहीं आएगा बेटे, मैं बताता हूँ तेरे को. तो सी व्हाट हैपेंड मानवी, मतलब दे आर कनेक्टेड बेटे एंड दे आर कनेक्टेड. नाउ इफ यू आर सेइंग कि इसको और इसको ले लूं, तो इसमें हाँ. देख ये ब्रिज तो इधर इसका इक्विवेलेंट नहीं है ना, इधर अगर हम लेंगे तो इधर नहीं है ना वो ब्रिज. सो बॉन्ड इज लाइक इनविजिबल. ओके आई गॉट इट. ए ये दोनों कनेक्टेड है बच्चे, ये दोनों कनेक्टेड है, ये दोनों कनेक्टेड है. इफ यू आर सेइंग दिस, सो यहाँ पे ये ऊपर जो ऐसे कनेक्शन आ रहा है नीचे नहीं है. यस सर आई गॉट इट. यू गॉट इट. ओके इसमें देखिए सिग्मा 2 दो स्मॉल ए से पास करता हुआ और एक मतलब एक स्मॉल ए से पास करता हुआ, एक ए से पास करता हुआ कैपिटल ए से. क्लियर बच्चों? यस यस सर. अच्छा जिसमें कोई सिमेट्री नहीं आ रही उसको मार्क कर लेते हैं क्योंकि वही हमारा काम आने वाला है. इसमें सिग्मा 1 कौन सा आएगा भाई, ए बी से पास करता हुआ. ऑल इज वेल. यस सर. अच्छा एम ए बी 2 में क्या कहते हो मानवी, तू बता.
एक ही आएगा, एक भी नहीं आएगा, एक भी नहीं आएगा, एक भी नहीं आएगा। अच्छा चलो ठीक है, हरिशंकर सर, जयशंकर सॉरी यार, जयशंकर बोल यार सर, मुझे भी वही लग रहा है, जीरो मुझे लग रहा है। क्रिश सर एक सेकंड, या आई एम गिविंग यू वन सेकंड, यस सर शायद से नहीं सर, एक आ सकता है ना, एक आ सकता है, कौन सा आएगा बताओ सर, जो कनेक्टेड जैसे ए बी है तो सर आई थिंक सर मेरे को 3D शायद से मैंने मिस अप कर दिया, बट वो बॉन्ड्स के थ्रू बीच से जाते हुए तूने कुछ मिस किया, देख ले एक मिनट देख ले तू, है ना। देखो बच्चों ये रेड जो है वो बी मान लीजिए और ये जो नॉर्मल है वो ए मान लीजिए, आप भी अपने हाथ में कुछ ऐसे मार्कर टूथपिक जो पकड़ना चाहते हैं पकड़ सकते हैं। अब देखिए ये दोनों ए बी ये अटैच्ड है, ये अटैच्ड है और ये अटैच्ड है, तो अब देखिए इससे पास करता हुआ नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि इधर एक रेड है इधर एक ये है, इससे पास करता हुआ भी नहीं आएगा, किसी भी ए बी से पास करता हुआ प्लेन नहीं आएगा। और ये तो मानवीय और हमारी बात हो ही गई थी याद है, कि अगर ये ए बी है और ये ए बी है तो इन ए से पास करता हुआ नहीं आ सकता, जो भी हम डिस्कस कर रहे थे मानवीय, है ना। तो इसमें देखिए भाई कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आएगा, नो सिग्मा और आए। अच्छा एक बात देखिएगा ध्यान से सब लोग, देखिए एम ए फोर में 6 प्लेन ऑफ सिमेट्री आए लेकिन एम ए ए टू में 2 ही आए, तो बेटे बाइडेंटेड लाइगेंड जब आता है तो सिमेट्री ड्रास्टिकली कम हो जाती है बच्चों, हाँ या ना। यस सर, यस सर, ऑल इज वेल। अच्छा एम ए बी ए टू एक सिमेट्री वन प्लेन ऑफ एक आएगा, कौन सा ए बी से पास करता हुआ, इसमें फिर जीरो और आए, और इसमें भी, इसमें तो कुछ चांस ही नहीं है, नो सिग्मा और आए। बच्चों कोई पेन हो तो जल्दी से पूछ लीजिएगा, नहीं तो आगे बढ़ेंगे। और बेटे एक बात और बताइए कि अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाता है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव क्यों होता है, दो क्वेश्चन है मैं आपको बता देता हूँ, ये आसान क्वेश्चन है, और एक क्वेश्चन है कि पॉइंट ऑफ सिमेट्री आ जाता है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव क्यों होता है, क्या आप जानते हैं भाई जनरली सर? प्लेन ऑफ हाँ बोलो बोलो सर, प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाता तो आई थिंक सुपरइंपोजिबल मिरर इमेजेस बनते हैं तो कैसे, मैं कह रहा हूँ नहीं बनते, चलो मैं आर्ग्यू कर रहा हूँ कि मैं कह रहा हूँ नहीं बनते, मुझे आती नहीं स्टीरियोकेमिस्ट्री, तो अब क्या करोगे, अब मुझे कैसे समझाओगे, तो मैं कह रहा हूँ नहीं बनते, तुम बता सकते हो कैसे बन रहे हैं? तो जब पोलराइज्ड लाइट भेजते हैं तो वो सेम एंगल से दोनों साइड से रिफ्लेक्ट होता है, इसलिए वो नलिफाई हो जाता है। नहीं बेटा नहीं, अच्छा आपके साथ मेरा कल डाउट्स है ना, तो मैं कल डाउट्स में ये बताऊंगा कि आई आने से और सिग्मा आने से क्यों इनएक्टिव हो जाता है, अभी नहीं बताऊंगा ठीक है, क्योंकि ऑर्गेनिक ना पढ़ चुके हो, तो बाकी तो हम अभी कैरी करेंगे कि सिग्मा नहीं है और आई नहीं है तो मतलब ऑप्टिकली एक्टिव होता है। तो इज दिस कॉपीड? यस सर, हो गया। नो वन रिमेंस? तो अब देखिए साहब भाई, हम ये इनको जो हमने भाई जिनमें सिग्मा नहीं आया इनको अपन पकड़ लेते हैं अलग से ठीक है। तो भाई तो देखिए एम ए बी सी डी इसमें कोई सिमेट्री नहीं है, एम ए बी टू इसमें कोई सिमेट्री नहीं है, एम ए बी इसमें कोई सिमेट्री नहीं है, एम ए बी सी डी टेट्राहेड्रल में इनमें भी कोई सिमेट्री नहीं है, ये सारे क्या हैं भाई ऑप्टिकली एक्टिव। अच्छा जी आई तो कोई सवाल ही नहीं है, नो जी आई, जी आई मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। और टोटल स्टीरियो कितने हो गए बच्चों, टोटल स्टीरियो आइसोमर्स आई मीन, सब में मतलब दो और दोनों एक्टिव, और हम कह सकते हैं और वन इनांशमेरिक, वन इनांशमेरिक पेयर। बच्चों ऑल इज वेल? यस सर। ओके तो अब देखिए साहब हम आते हैं भाई नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स पे, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस, और इसमें देखिए भाई पहले पोजीशंस देखते हैं, तो पोजीशंस अगर हम देखें बच्चों तो इस बार पोजीशंस ज्योमेट्रिकली अलग है, देखिए ये पोजीशन इससे ट्रांस है, इनसे सिस है, हियरिंग इट, और भाई पोजीशंस एट 90 डिग्री आर सिस और सिन, पोजीशंस एट 180 डिग्री आर ट्रांस और एंटी, मतलब देखिए 1 2 2 3
थ्री फोर वन फोर ये सारे क्या है सिस और सिन, और वन थ्री टू फोर ये क्या है ट्रांस और भाई एंटी. देखिए लोड हो तो बताइए, अदरवाइज कॉपी कर दीजिए. मैं ऊपर वाला कर लेंगे तो नीचे वाला दिखा दूंगा. जरा पीछे बता सकते अगर कुछ है तो. बेटे नीचे कर रहा हूँ. डन यस यस सर डन. ठीक है अब भाई स्क्वायर पेर में देखिए भाई बेटे इसमें ये बात भी देखिएगा ध्यान से. अगर ये दोनों ए और ए हुए तो ये पोजीशंस जो होंगे ज्योमेट्रिकली क्या होंगे सेम कि डिफरेंट. सेम सेम मतलब अगर देखिए हमने यहाँ पे बी सी रखा हो तो चेंज करके कुछ अलग नहीं आएगा है ना. और मतलब जैसे मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर हम एम ए ए कुछ बी सी ले लें और एम ए ए सी बी ले लें तो ये क्या हो गए आइडेंटिकल और होमोमर्स है ना. अच्छा ऐसे ही भाई अगर मैं ऐसे ले लूं ए और बी तो अब पोजीशंस आर ज्योमेट्रिकली क्या आएगा डिफरेंट है ना डिफरेंट. और इसका मतलब ये है कि एम ए बी ले लें और यहाँ पे कुछ भी ले लें आप भाई सी डी ले लें तो ये और एम ए बी बी सी ये क्या आ गए दे आर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स. आर वी गुड. यस ओके वेरी गुड. अब इसमें देखिए अगर ये बाइडेंटेड आ गया ए ए तो अब पोजीशंस क्या हो गई सेम सेम है ना ज्योमेट्रिकली भाई सेम. और इसका मतलब एम ए ए ए बी और एम ए ए बी ए ये क्या हो गए भाई आइडेंटिकल. देखिए अगर कुछ लोड हो तो शेयर करिए अदरवाइज कॉपी करिए. Done. Yeah. Done. Yes, sir. Done. Yes, sir. Done. Yes, sir. They अब देखिए वैसे तो सिमिलर है मतलब मैं अवॉइड कर सकता था पर ठीक है. पोजीशंस आर डिफरेंट ज्योमेट्रिकली डिफरेंट और इसका मतलब इफ यू हैव समथिंग लाइक ए बी एंड ए बी एंड
ए बी एंड बी ए, तो दे आर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, फाइन। अब देखिए एम ए फोर, एम ए थ्री बी, एम ए बी थ्री, बेटे नो जी आया ना, एक ही फॉर्म होगी, फूल है। हाँ बच्चों समझ में आता ना? यस सर। अच्छा अच्छा बेटे ये देखिए कि भाई इसमें भी ऐसे ही होगा जैसे ट्राइगोनल प्लेनर लीनियर में था कि ये भी प्लेनर है, तो मोस्टली मॉलिक्यूलर प्लेन क्या होगा, प्लेनर सिमेट्री होगा, मतलब कॉम्प्लेक्सेस क्या होंगे, मोस्टली ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे, अनलेस देयर इज अ कायरल सेंटर इन द लाइगेंड, राइट बच्चों। अब देखिए साहब एम ए टू बी टू बहुत सिंपल केस है भाई, एम ए टू बी टू दो आ जाएंगे भाई, ए और ए, बी और बी, ये क्या आ गया सिस आ गया, और एम ए टू बी टू भाई ये क्या आ गया ट्रांस आ गया, बोथ इनएक्टिव, और इसका मतलब टोटल स्टीरियो कितने आ गए दो इनएक्टिव आ गए। अच्छो इस पेज पे इतना लिखूंगा, कॉपी करिए, कुछ भी दिक्कत हो तो पूछ लीजिए। देखिए मैं एसपी कॉम्प्लेक्सेस मतलब स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस, यस बच्चो कोई रहता नहीं है, अब नहीं इस पे देखिए एक बहुत आसान सा क्वेश्चन आ जाता है, PtNH3 twice Cl2, इसके दो आइसोमर्स हैं, टू स्टीरियो आइसोमर्स एज ए एंड बी, तो ए के साथ अगर C2O4 2 माइनस देते हैं तो वाइट PPT आ जाता है, बी के साथ ऑक्सलेट में नो वाइट PPT, तो पहचानना है कि कौन होंगे। अब बेटे देखिए इसमें बहुत ही सिंपल बात है, मैंने आपको वैसे बाइडेंटेट लाइगेंड पढ़ाते हुए भी बताया था कि जब भी कोई बाइडेंटेट लाइगेंड होता है तो उसके कोऑर्डिनेटिंग साइट क्या होते हैं, हमेशा सिस होते हैं, तो देखिए सिस आइसोमर जो होगा वो भाई सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे देगा, NH3 यहाँ पे, NH3 यहाँ पे, O और ये ऑक्सलेट OX है ना, और प्लस भाई टू मोल Cl- डिस्प्लेस हो जाएगा, जबकि ट्रांस जो होगा PT अमोनिया अमोनिया Cl Cl ये ऑक्सलेट के साथ नो वाइट PPT और नो SN रिएक्शन, एक्चुअली SN सब्स्टिट्यूशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल या सब्स्टिट्यूशन ऑफ लाइगेंड, एक्चुअली SL बोलते हैं इसमें, तो नो SL और SN रिएक्शन, क्लियर बच्चों? इसको बोलते हैं, बताया भी होगा मैंने, सिस प्लैटिन बोलते हैं, और इट इज यूज्ड इन कीमोथेरेपी है ना।
सर क्योंकि सीएल आयोनिक था तो इसलिए मतलब उस पर अटैक किया था। बेटे सीएल गुड लीविंग ग्रुप है इसलिए वहां पे अटैक। ओके सर। सर लाइक लाइगेंड्स आर आल्सो काइंड ऑफ न्यूक्लियोफाइल्स सो लाइक एसएन। मैंने बेटे शुरू में ही लिखवाया आपको कि लाइगेंड्स आर न्यूक्लियोफाइल। हां तो लाइक एसएन रिएक्शन बोलना गलत क्यों रहेगा? आप बोला उसको एसएल बोलते हैं। यार कोऑर्डिनेशन की रिएक्शन मैकेनिज्म ना अलग होती है, वो जेई सिलेबस में नहीं है। मतलब अगर आपने कुछ मास्टर्स किया केमिस्ट्री में, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो आपको मिलेगा, उसे एसएल बोलते हैं उस पर। ओके सर। सो दैट्स नॉट एन इशू, लाइक मतलब यू विल नेवर बी आस्क कि वेदर इट इज एसएन और एसएल, लाइक यू नो नेवर बी। ओके सर। डन सर। यस सर डन सर। ओके तो वी हैव डन Ma2 V2 एंड नेक्स्ट इज Ma2 BC। तो देखिए बहुत ही सिंपल है, तो Ma2 BC और Ma2 BC भाई यहाँ पे ये सिस हो गया, ये ट्रांस हो गया, बोथ इनएक्टिव, टोटल स्टीरियो भाई कितने आ गए? दो आ गए। ठीक है नेक्स्ट कौन है? Ma2 ABCD कितने आ रहे हैं बच्चों? जीरो नहीं, जीरो वाले का नाम सर GGI and 0 OI। तो जीरो जो कह रहा था भाई वो बहुत ही खराब आंसर था यार हमारा, बहुत ही बकवास आंसर था। ए के सामने बी, ए के सामने सी, ए के सामने डी, देयर आर टू वेज इन व्हिच वी कैन डू दिस। एक तो ऐसे पेयर ले लिया, ए के सामने बी ले लिया, ABCD, ACBD और ABCD, या फिर आप इसे ऐसे कर सकते हैं भाई, आपने वो क्वेश्चन करा होगा मैथ्स में कि एक नेकलेस है और मतलब 10 अलग अलग तरह के बीट्स हैं, तो कितने तरह के नेकलेस बन सकते हैं? याद है सर्कुलर परमुटेशन, n-1 फैक्टोरियल होता है ना बच्चों? तो ये वैसा ही है, मतलब ये चार चीजें हैं हमें सर्कुलर परमुटेशन में अरेंज करनी है, तो क्या होगा 4-1 फैक्टोरियल, मतलब 3 फैक्टोरियल। अब आप ऐसे सोचिए ए और बी इधर है, फिर इसको मैं उल्टा कर दूं, बी को इधर ले आऊं, ए को इधर और डी को इधर, सी को इधर, बात तो एक ही होगी, तो 3 फैक्टोरियल बाय 2 आइसोमर्स हमें करने होंगे। तो ये आ गए और ऑल भाई दोबारा से इनएक्टिव, टोटल स्टीरियो कितना आ गया भाई? 3 आ गया। देखिए कोई पेन हो तो बताइए, अदरवाइज इसमें हम CIP रूल फॉलो करेंगे। बट नहीं, इसका CIP एकदम अलग होता है, मतलब यार इसमें नॉमिनल RS होता है इसमें भी डिस्क्रिप्शन, बट वो बिल्कुल अलग होता है, वो आपके सिलेबस में दूर दूर तक नहीं मिलता, होता तो जरूर कर रहा था। ओके सर फाइन। डन सर। मतलब वो ओलंपियाड के सिलेबस में भी नहीं है यार, मतलब अगर ओलंपियाड के सिलेबस में भी होता तब भी करा जाता, ऐसा कुछ नहीं है। बच्चों नोटेड सर। Ma2 BC। अब आते हैं हम, देखिए Ma2 या Ma2 या Ma2 AB। बेटे अगर ए हो गया तो इनमें ओनली वन ज्योमेट्रिकल फॉर्म इज पॉसिबल, और इसका मतलब इनमें नो GI और ओ आई मतलब ऑप्टिकल आइसोमर्स। ठीक है और भाई अब देखिए Ma2 में आएगा, Ma2 में क्या आएगा? एम देखिए ए बी ऐसे ये सिस होगी, और Ma2 ABC और BA ये ट्रांस हो गया। ठीक है ऐसे ही अब देखिए Ma2 अगर आप चाहें तो मैं बना भी सकता हूँ, ऐसा कोई इशू नहीं है, बट बहुत आसान है। मैंने स्टार्टिंग में जो ज्योमेट्रिकली आइडेंटिकल और नॉन आइडेंटिकल बताया था वो इसीलिए बताया था, नो GI और OI एक ही फॉर्म होता भाई। अगर मैं लेकिन Ma2 AB ले लूँ तो बेटे दो फॉर्म पॉसिबल होंगी, AB, और एक बार उल्टा कर दीजिए किसी एक को BA। बच्चा बाटी ऐसे ही Ma2 ABCD
इसमें देखिए इस बार तीन नहीं होंगे, इस बार दो ही होंगे, ए बी सी डी, क्योंकि वही है कि इनको ट्रांस नहीं रख सकते ए बी को, और ए बी और ये डी सी, टू जी आई नो ओ आई, मतलब ऑल इनएक्टिव। देखिए पहले ऊपर वाला कॉपी करिए फिर नीचे वाला दिखाता हूँ, और कहीं भी दिक्कत हो तो तुरंत बोल देना है, कोई हेजिटेशन की जरूरत नहीं बेटा, है ना। सर यहाँ पे जी आई का तो समझ रहे, आप ओ आई पीओएस के बेसिस पे बता रहे हैं ना, जिसमें पीओएस नहीं है उसके बेसिस पे लगता है। इनमें पीओएस आ जाएगा, हमने यही बात करी थी कि मॉलिक्यूलर प्लेन विल ऑलवेज बी प्लेन ऑफ सिमेट्री, इफ यू रिमेंबर, शायद आप लिख रहे हो। हाँ समझ गए। डन सर। 2GI के नीचे कुछ लिखा है क्या? नहीं बेटा। ओके सर, डन सर। डन सर। डन सर। ओके। अब भाई जैसे देखिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। PTGLY2 क्या होगा, कितना आइसोमर्स आएंगे? बहुत आसान केस है बेटा, यू जस्ट नीड टू नो व्हाट इज GLY। इसमें टोटल आइसोमर्स, अच्छा ये क्वेश्चन मैं आपको दे चुका हूँ बेटा, दो तीन सवाल करा रहा हूँ। अगर आपको याद हो ये हमने करा था क्वेश्चन, याद है स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के लिए क्या होगा? Yes, इस बार टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स है ना, नंबर ऑफ आइसोमर्स पूछा, जब नंबर ऑफ आइसोमर्स पूछा है तो स्ट्रक्चरल स्टीरियो दोनों है ना, टोटल स्टीरियो आइसोमर पूछा है तो दोनों। ऐसे ही PDALA ट्वाइस और PTALA ट्वाइस, इसे बताना है अगेन नंबर ऑफ आइसोमर्स बताना है। ALA इज एलेनेट, मैं आपके पास बताता हूँ, इसे CH3CH NH2CO माइनस, ये होता है। और बेटे एक बात और, वैसे शायद पहले बताए भी हो लेकिन मैं दोबारा क्लियर कर रहा हूँ, अभी रीजन आगे आएगा। पैलेडियम प्लैटिनम प्लस टू और रोडियम प्लस वन, कोऑर्डिनेशन नंबर फोर, ऑलवेज DSP2 एंड हेंस स्क्वायर प्लेनर। क्वेश्चन वन, क्वेश्चन टू, क्वेश्चन थ्री, क्वेश्चन फोर, PTBN ट्वाइस प्लस टू, टोटल आइसोमर्स, BN इज ब्यूटाइलिन डायमीन NH2। सो आई एम गिविंग यू 5 मिनट्स फॉर दिस, बनता है। और देखिए बेटा प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, मैं सिर्फ पढ़ाता जाऊं और एक भी सवाल ना कराऊं उससे आपको बहुत नुकसान होगा, क्योंकि प्रैक्टिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड। जेई में आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन कम होंगे, प्रैक्टिस बेस मतलब ज्यादा होंगे, है ना। तो सभी लोग जो भी मतलब सिंसियर लोग हैं भाई, प्लीज अटेम्प्ट करिए। आई एम गिविंग यू 2-3 मिनट्स, आई एम सॉरी आई कैन नॉट गिव यू मोर, बट इफ यू कैन डू समथिंग यू नो लाइक दैट्स वंडरफुल। साथियों और हाथियों, PTGLY में कितने आ गए सर? टू सर, टू आ रहा है, टू आ रहा है। अच्छा एक काम करिए, कोई बच्चा
बेटे इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ग्रुप पे डाल दीजिए, जिससे सब लोगों को क्वेश्चन रहेंगे और मैं नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन करने लगूंगा फिर, है ना। मानवी गलत आ रहा है वन तो बेटी, कोई बात नहीं बेटा, सॉरी की जरूरत भी नहीं है आपको। गलत आंसर, अगर आप लोग गलत करते ना किसी सवाल को, आप समझिए कि दिस इज अ स्टेप अहेड, आपको कम से कम गलत करना तो आ गया, एग्जाम में आप कम से कम गलत नहीं करेंगे, यू नो। तो दैट्स नॉट एन इशू, गलत करना इज गुड, नॉट एन इशू, मतलब आई एम नॉट सेइंग कि गुड इन पेपर यू नो एग्जाम, बट यहाँ पे अगर आप गलत करते हैं तो दैट्स नॉट एन इशू। प्रोजेक्ट 16 PTGLY2 विल बी ऑफ फॉर्म MAV2 राइट? एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली यस। जयशंकर यस सर, जयशंकर हाउ मच यू गॉट इन दिस लास्ट मेजर, हाउ मतलब क्या रैंक आई तेरी? सर रैंक थोड़ी मतलब मेरे रिवीजन नहीं हुआ था सर, तो रैंक थोड़ी कोई बात नहीं है, इतनी दी बता दे। सर आई थिंक अराउंड, सर आई डोंट रिमेम्बर एक्चुअली। यू डोंट रिमेम्बर, चलो बहुत बढ़िया, ये तो बहुत अच्छी रैंक है। और किसकी मतलब तुम्हारे बैच में हाईएस्ट किसकी थी, कुछ आइडिया है? क्रिश तेरी कितनी थी? जैसे मेरा ये वाला एमटी बहुत गंदा हो गया था इन कंपैरिजन टू ऑल द अदर एमटीज। ओके मानवी, सो आई डिडंट डू वेल ईदर, आई गॉट समथिंग लाइक 110। चलो तो किसके हाईएस्ट था भाई बता दो यार, इतना क्यों शर्मा रहे हो? दिस टेकन स्क्रीनशॉट? हां सर। ओके हाईएस्ट किसका था यार बताओ ना, टॉप 10 में 5 में किसकी रैंक आई थी? जय जय रिवील कर। आद्विक कौन है? आद्विक, आद्विक आर यू देयर? यस सर। बेटे कितनी रैंक आई थी? सर इसमें 8 आई थी। 8 आई थी, तो बोल क्यों नहीं रहा यार तू, चुपचाप क्यों बैठा? हाँ सर। चल ठीक है बेटे, आद्विक बता बेटे, है ना, इसके सॉल्व कर। देखिए बच्चों, GLY ऐसा होता है, ये है ग्लाइसिनेटो GLY- एंड दिस इज वेरी अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट। तो अब देखिए साहब भाई, यहाँ पे क्या होने वाला है कि मतलब पीटी, अब बेटे देखिए NO ऐसे दिखाते हैं इसको, NO ये हो गया सिस, और PT, NO और ON ये हो गया ट्रांस, कितने आ गए? 2 GI आ गए। क्वेश्चन 1 मैंने सॉल्व कर दिया, मतलब बहुत ही चिंदी क्वेश्चन था। क्वेश्चन 2 पे आते हैं, क्वेश्चन 2 में देखिए, अगर आपको याद हो मैं अब जल्दी जल्दी से इसके स्ट्रक्चर लिख रहा हूँ, आप भी मेरे साथ लिख दीजिएगा क्योंकि पहले करा चुका हूँ ये। और लिखने पड़ जाएंगे मतलब, नहीं तो काउंटिंग में गड़बड़ हो जाएगी। सब में -2 है, क्वेश्चन में भी -2 कर दीजिएगा, इट विल मेक सेंस। क्या कर दिया मैंने, क्या कर दिया, ओ एन ओ ट्वाइस और क्या लिखा, एस सी एन और CS twice, NO2 twice, or PD NCS twice, ONO। देखिए मतलब ये इतने स्ट्रक्चर लाए थे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब इसमें आइसोमर मतलब आपको स्टीरियो काउंट करने, तो ये क्या हो गया MA2B2, कितने हो गए? 2। सो इज द आंसर 19।
यस बिल्कुल वेरी गुड. एम ए टू बी सी दो, ये दो, ये दो, टू हेयर. यहाँ पे एम ए बी सी डी है तो यहाँ पे तीन आएंगे, यहाँ पे दो आएंगे, यहाँ पे दो आएंगे, यहाँ पे दो आएंगे. तो टोटल आइसोमर्स मतलब कितने आ गए. मैंने पहले स्ट्रक्चरल कराए थे सर, तो देखिए ऐड करना है टोटल आइसोमर्स 19 आ जाएंगे. पार्टिकल्स देखिए पहले ऊपर वाला कॉपी कर दीजिए और बेटे कॉपी जल्दी कर दीजिएगा सॉल्यूशन. गुड फॉर ऑल. I'm looking for like other two questions. वो थोड़े से better थे उनसे. ऊपर वाला तो हो गया होगा I guess. Yes. बच्चों क्या कहते हटा दो. जो भी मतलब लिख रहे हैं वो होने के बाद बता दीजिए ना जब तक हो जाता. अब आद्विक बताओ यार ए ले वाला करा. सर फोर है क्या. देखते बेटे चलिए. लाइगेंड काइरल. ओके देखते बेटे आपने बहुत बढ़िया अटेम्प्ट करा है. शाबाश देखते हैं. और कोई बच्चा. यस सो फोर आ रहा है. फोर आ रहा है. Very good. Four वैसे गलत आंसर है लेकिन good for your attempt. Nothing else. देखिए. So will it be A? Brian. अच्छा Brian ना. Yes sir. नहीं बेटे eight में भी गड़बड़ है देखते हैं. Brian very good for your attempt. मान भी good but not correct. Four active होंगे and two में तो मुझे आएगा. बेटा आपका नाम बताइए. श्रेया. श्रेया तो श्रेया जो है श्रेया इज टॉकिंग सेंस एक्चुअली. देखिए वेरी गुड श्रेया शाबाश. देखिएगा इसको कैसे कर रहे हैं मैं बता रहा हूँ सब लोग देख लीजिए. देखिए यहाँ पे कोऑर्डिनेटिंग सेंटर कौन है. ओ है और एन है तो हम ऐसे दिखाएंगे ओ एन. मतलब यहाँ पे सी ओ ओ माइनस दिखाने की जरूरत नहीं है और पूरा एन एच टू दिखाने की कोई जरूरत नहीं है. ऐसे दिखा देते हैं और यहाँ पे सी ओ O N यहाँ पे C O. बेटे ये कार्बन काइरल है तो एक्चुअली एक कॉम्बिनेशन हो सकता है कि ये दोनों मिथाइल ऐसे आ जाए. बात समझ रहे हैं. एक पॉसिबिलिटी होगी पी डी पे ओ एन ये डबल बॉन्ड O और ये एम ई. ओ एन ये डबल बॉन्ड O और ये एम ई. एक पॉसिबिलिटी ये होगी. एक पॉसिबिलिटी होगी पी डी ओ एन 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 ओ ट्रांस एंड डबल बॉन्ड ओ यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ यहाँ पे एम ई यहाँ पे एम ई या फिर पी डी एन ओ और ओ एन. पॉसिबिलिटी होगी कि यहाँ पे एम ई और यहाँ पे एम ई. बात समझ रहे हैं. अब देखिए बेटे ये जो होगा ये इनएक्टिव होगा सिमेट्री आगे. बात समझ रहे हैं. ये वाला बच्चों एक्टिव होगा. इसमें कोई सिमेट्री नहीं है. देख सकते हैं आप. प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है. पॉइंट ऑफ सिमेट्री. इसमें क्या कहते हैं एक्टिव और इनएक्टिव. इनएक्टिव पीओएस होगा. नहीं बेटे पीओएस नहीं है. प्लेन ऑफ सिमेट्री भी नहीं है. सॉरी पॉइंट ऑफ सिमेट्री. बेटे नहीं पॉइंट ऑफ सिमेट्री नहीं है. दोनों एमी सामने आ रहे हैं ना इसलिए नहीं. इसमें होगा यहाँ पे होगा पॉइंट ऑफ सिमेट्री. ओके है ना. आई इज प्रेजेंट इन्वर्जन सेंटर और ये क्या हो गया इनएक्टिव. तो जैसा कि हमारी बच्ची ने श्रेया ने कहा था वो सही आंसर दिया था. टोटल श्रेया तेरी कितनी रैंक आई थी लास्ट मेजर. नहीं सर इस बार खराब ही आई थी.
खराब है क्या, क्या हो गया, क्या बुरा हुआ, केमिस्ट्री मैथ्स फिजिक्स क्या बुरा हुआ? चलो कोई बात नहीं, बाद में बात। हाँ भाई, तो देखिए चार आंसर नहीं था भाई, टोटल आंसर क्या था, सिक्स था। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी, इफ यू डोंट हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन कॉपी द सॉल्यूशन। सर वो बॉटम लेफ्ट वाले कंपाउंड वो एक्टिव लाइक वो सिमेट्री रहेगा ना उसमें? हाँ सर, सेम डाउट। तो बेटे नहीं रहेगा, मैंने एक्टिव लिखा है इसलिए नहीं रहेगा। आप बताइए, सर आप बता सकते हैं क्यों वो लाइक सिमेट्रिकली क्यों नहीं है उसमें? बिल्कुल बता सकते हैं। आप ये मुझे बताइए आपको कौन सा प्लेन, उससे बेटर ये रहेगा कि जो प्लेन आपको लग रहा है वो मुझे बताइए, मैं आपको बता दूंगा कि वो नहीं है। यस सर, वो पूरे लाइक कंपाउंड का प्लेन रहेगा वो, ये मॉलिक्यूलर प्लेन नहीं, ये टेट्राहेड्रल सेंटर है, ये टेट्राहेड्रल सेंटर, मॉलिक्यूलर प्लेन तो नहीं हो सकता। अगर मॉलिक्यूलर प्लेन होता तो ये भी हो जाता। ओके सर, तो ट्रांस में होगा लाइक, यहाँ पे पॉइंट ऑफ सिमेट्री आएगी। देखो बेटे इसमें यहाँ पे नहीं आएगी, इसमें यहाँ पे भी नहीं आएगी। कुछ बच्चे बताए क्या करते हैं, ऐसे कट कर देते हैं हाइपोथेटिकली, ये सारा एक ही में, भाई ये एक प्लेन आएगा तो ये ऐसे आएगा, कोई सिमेट्री नहीं है। हाँ समझ लो, तो देख लो कहीं से भी कोई सिमेट्री नहीं है। ओके सर, थैंक यू सर। ओके बेटे, डन सर। तो ये सिर्फ शेयर ने सही करा और सारे बच्चे गलत कर दिए, क्या बात कर रहे हो? अब नेक्स्ट वाला करके दिखाओ जल्दी से, बी एन टू वाला श्रेया करके दिखाओ बेटे, आदविक इस बार सही कर बेटा, है ना, पर कोशिश कर। अच्छा बॉडी डन है, बॉटम लेफ्ट वाले में पॉइंट ऑफ सिमेट्री कैसे नहीं आ रही है इसमें? यस सर। भाई देखिए यहां से हम देखेंगे, ये मिथाइल अपवर्ड है, ये भी अपवर्ड है, अगर ये अपवर्ड है तो ये डाउनवर्ड होना चाहिए ना पॉइंट ऑफ सिमेट्री के लिए। अच्छा हाँ, ओके समझ गए। बच्चों हटा दूं? यस सर। चलिए आपको, या आई कैन वेट फॉर 10-20 सेकंड। व्हाट्स योर नेम? हरी। हरी, एक हरी है और एक जयशंकर है, दोनों है, मुझे हाइब्रिड नाम याद रहता है। हरी तुम्हारा पूरा नाम क्या है यार? हरी बालासी। ओके चलो, हरी इज इनफ। हरी बाप, सो आई एम वेटिंग फॉर 20-30 सेकंड्स एज रिक्वेस्टेड, यू ऑल्सो मेक अ गुड अटेम्प्ट। जयशंकर क्या आंसर आया बेटे? कुछ आया सर? 1 सेकंड। जिसका भी आंसर आ जाए अपने आप बताएं। श्रेया एनी आंसर? ट्राइंग सर। कितना 9 आ रहा है? नहीं सर, कर रही हूँ। अच्छा कर रही हूँ। आई थिंक दिस इज ऑफ द फॉर्म M कैपिटल A कैपिटल A 2। यस काइंड ऑफ। योर नेम, आंसर के साथ नाम भी प्लीज बताइए ना बेटे, आवाज कुछ बेटे। हरी। ओके हरी देखते हैं, वेरी गुड अटेम्प्ट, दोबारा चेक करो हरी, कुछ गलती हो रही है। सो मिस्टर 20-30 सेकंड का है, आर यू डन? सर इज इट 3? 3 श्रेया और व्हाट नाम? मानवी। मानवी, गड़बड़ हो रही है, गड़बड़ हो रही है, दोबारा चेक कर बच्चे। सर जियोमेट्रिकल फॉर्म तो एक ही होगा ना? ओके अभी किसी ने टेक्स्ट किया था आंसर, आई डिडंट सी इट, कैन यू डू इट अगेन? अच्छा समर्थ राणे, समर्थ गलत आ रहा है। और या गो अहेड। इज इट 7? व्हाट्स योर नेम? धृति। धृति, How are you doing, Dhriti? मतलब कैसे कर रही है तू? बताएगी मुझे? मत सम सर। हाँ, टोटल कैसे किया तूने? मेरे को भी बताना, तेरा आंसर इंटरेस्टिंग लग रहा है मेरे। सर पहले मैंने सब, I took all the methyl groups as up
एंड देन एक नीचे. अच्छा तूने कॉम्बो ट्राई करे अलग अलग. हाँ वेरी गुड बेटे शाबाश बहुत अच्छा किया आपने और बिल्कुल सही कर रहा है. देखिए साहब अब एक बच्चा कर दिया तो मैं वेट नहीं कर रहा. देखिए बेटे देखिए जो एम ए टू लेके कर रहा था ना बच्चा बेटे देख वो एम ए टू सिंपल नहीं है मतलब क्योंकि इसमें कायरल सेंटर है तो तू उससे मत सोच उससे तू गलत ही करेगा. गेटिंग माय पॉइंट. देख बेटे ये जो धृति ने करा धृति तेरी रैंक कितनी थी इस बार. क्या करती है तू कुछ करती है उसके लिए. No, I try to not do it. But do you think like if you try not to do it you will ever be successful. मतलब I'm just asking because I have been giving exam all my life also. मतलब है ना तो मैंने जब भी कोशिश करी है कि silly mistake ना हो देती तो ज़्यादा हुई है बल्कि. What do you think is the solution? Practice I guess. अच्छा देखिए बच्चों मैं आपको एक और बताता हूँ. मैंने थ्री ईयर बैच के बच्चों के बताया था ये और आपको बताता हूँ एक मिनट देख लीजिएगा. देखिए भाई एक नोटबुक बनाइए शायद मैंने आपको ही बोला एरर नोटबुक बनाने को बोला मैंने आपको. नहीं सर. नहीं तो धृति तेरे को तो तुझे तो खास तौर से बनानी है बेटे. और जो अच्छे बच्चे हैं देखिए मैं आपको बताता हूँ कि ये मतलब इसको मानिक को ही बनवाई थी हमने. मानिक गॉट सिक्स्थ और एट्थ रैंक मतलब है ना इनको तो मतलब ये बहुत अच्छे अच्छे रैंक्स के बच्चों को बनवाई हमने ठीक है पास्ट में. बेटे देखिए क्या करना है इसमें कि जो भी आपके एमटी और टीडब्ल्यूटी में गलती होती है उसको इसमें कोट करिए अलग नोटबुक मतलब है ना कि मिस्टेक करेक्शन. सो धृति दैट इज द ओनली वे अगर जब तू एग्जाम देने जाएगी और तू देखेगी तूने एक साल में कितने सिली मिस्टेक करे हैं तो देर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो ना हो यू नो. अदरवाइज अगर तू एक टेस्ट में करी फिर सोचा नहीं करूंगी अगली बार और भूल गई उनको क्या मिस्टेक थी तो फिर दोबारा होती जाएगी. You are getting my point. Yes, sir. है ना तो बेटे इसे sincerely बनाना मतलब है ना टालना मत इसे right? और बाकी बच्चे भी मतलब मैं एक ये सिर्फ धृति को नहीं कह रहा हूँ सभी लोगों को कह रहा हूँ भाई मेक एन मतलब ऐसे एरर नोटबुक है ना ये बहुत ही हेल्पफुल होता है. मैंने आपको रिविजन नोटबुक बनाने को बोला था बेटे एक दो तीन नोटबुक बनाइएगा. एक बनाइएगा फैक्ट नोटबुक वो तो बताया होगा मैंने. yes, sir, बताया. फैक्ट नोटबुक बताया. किसी ने आज तक मेरे को फैक्ट नोटबुक के पिक्चर्स नहीं भेजे मतलब आप बनाइए और मुझे भेजिए तो मैं उसमें बताऊंगा कि बेटे तुम ये ऐड कर सकते हो ये रिमूव कर सकते हो कुछ सजेशन दूंगा मैं समझ रहे हो. बट देन फर्स्ट आपको बनाना तो पड़ेगा ना. तो आई नॉट सीन एनीवंस एरर नोटबुक और फैक्ट नोटबुक. चलो एरर नोटबुक मत शेयर करो तो क्या ही शेयर करोगे मतलब. बट आप बनाइए जो बच्चों का भी सिली मिस्टेक हो रहे हैं बेटे सिली मिस्टेक रिमूव करने का इससे अच्छा और कोई तरीका नहीं है. आप मेंटली आप नहीं कर पाओगे कि आप सोचोगे अगली बार नहीं करूंगा मैं अगली बार और ज्यादा होगी मैं आपको बताता हूँ ठीक है. तो धृति यू गॉट टू मेक इट राइट. यस सर. ओके चलिए साहब देखिए मतलब कॉम्बो बना लिए जैसे बच्ची ने कहा हमारी चारों मिथाइल सामने तीन मिथाइल सामने एक पीछे दो मिथाइल इधर सामने दो मिथाइल इधर सामने पीछे फिर दो डायगनली ऐसे रख दिए मैंने और फिर दो ऐसे रख दिए. अब देखिए साहब एक्टिव इनएक्टिव ढूंढना है तो ये क्या है इनएक्टिव है साफ साफ भाई यही प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगा उठा के ठीक है ये एक्टिव है इसमें कोई सिमेट्री नहीं आएगा ठीक है. अच्छा ये वाला ये इनएक्टिव आ जाएगा इनएक्टिव और ये वाला भाई इसमें नहीं पॉइंट भी नहीं आएगा ये एक्टिव आएगा ये एक्टिव है और इसमें पॉइंट आ जाएगा. देखिए ये मिथाइल ऊपर ये नीचे ऊपर नीचे पॉइंट ऑफ सिमेट्री और ये इनएक्टिव. तो अब देखिए टोटल कितने हो गए भाई टोटल एक्टिव कितने हैं दो एक्टिव हैं तो चार एक्टिव हो गए और तीन इनएक्टिव हो गए मतलब जो सात और टू इनएंशियोमेरिक पेयर्स यहाँ पे पॉसिबल हो. साथियों देखिए बेटे मैं आपको बताता हूँ मैंने आपको स्क्वायर प्लेनर कराया स्क्वायर प्लेनर में फिर मैंने काइरल सेंटर डाल के जो क्वेश्चंस होते हैं अच्छे वो बताए. देखिए अगर कोई लोड हो तो वो बता दीजिए शेयर करिए अदरवाइज कॉपी कर दीजिए. आई हैव गिवन लाइक ऑलरेडी इनफ टाइम
ऑल्दो बट कोई नहीं कर रहा हो तो कर लीजिए और देख लीजिएगा, कोई लोड हो तो बताइए सर। बोलो बेटे। सर लाइक वो एम लाइक समझो अगर दोनों साइड आर कॉन्फ़िगरेशन है तो उसको लाइक ए ले सकते हैं। यहाँ पे चार आर ले ले फिर आर एस ले ले, लेकिन उसमें क्या होता है तुझे ये पता होना चाहिए कि आर एस एस आर जो आएगा वो इनएक्टिव आएगा, लेकिन उसमें टाइम बहुत लगेगा। और तू ये सोच कि तू चार सेंटर है बेटे, तू ये एक दो तीन चार पांच 20 सेंटर पे आर एस करेगा, डोंट यू थिंक गलती हो जाएगी वहां पे? यस सर। मतलब मैं भी आरएस से बता सकता हूँ यार, मतलब ऑर्गेनिक तो मैं भी जानता ही हूँ, मेरे को भी आती है ऑर्गेनिक थोड़ी बहुत तो आरएस से हम कर सकते हैं, पर थोड़ा प्रॉब्लमेटिक होता है वो। सर पार्ट 3 में आपने पॉइंट ऑफ सिमेट्री बताई है, किस में? सर पार्ट 3 मतलब कि थर्ड कंपाउंड, प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री, हियर इट इज। ओ ओके सर। सर जब टोटल पॉसिबल आइसोमर्स पूछेगा तो हम लोग लाइगेंड आइसोमेरिज्म वो सब भी हो सकते हैं, उनको नहीं रिपोर्ट करेंगे बेटा? उसको तो फिर बहुत हो जाएंगे फिर तो, हम इसमें इसीलिए मैंने टोटल स्टीरियो मतलब ना मतलब बात कर रहा हूँ, फिर तो बहुत हो जाएंगे क्योंकि फिर इसमें बीएन है तो एनएच2 को उधर उधर साइड पे रखेंगे, फिर 1-3 रखेंगे है ना, तो बहुत ही ज्यादा टीडीएस हो जाएगा मतलब। सर बेटा अगर हम पॉइंट आइसोमर देख रहे तो अगर एक साइड नीचे तो दूसरा साइड ऊपर होना चाहिए ना? बिल्कुल। ओके सर ठीक है। इनको चेंज कर देंगे तो कुछ नहीं होगा, सेम आएगा ना? ओके सर। ऑल हैव डन? यस सर। टाइम है ना? ओके तो स्क्वायर प्लेनर इज डन, लाइक नॉट एन इशू। अब हम आते हैं हाथी पर, हाथी पर मतलब ऑक्टाहेड्रल पर भाई, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। और इसमें देखिए फिर वही बात है कि पोजीशंस एट 90 डिग्री आर सिस और सिन, positions at 180 degree are trans or anti. और अब देखिए साहब तो ये ऐसे लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 है ना? तो अब देखिए मैं सारे पेयर लिखूंगा तो बहुत फालतू में टाइम वेस्ट होगा, मैं 1 से लिख रहा हूँ 1, 2, 1, 3, 1, 5, 1, 6 ये सारे क्या है cis और sin, और ट्रांस में सारे लिख सकता हूँ 1, 4, 2, 5 और भाई 3, 6 ये क्या है ट्रांस और एंटी। आर वी गुड? MA6 MA5B MAB5 इनमें नो GI और OI, ओनली वन ज्योमेट्रिकल फॉर्म, ठीक है। Can you have these kind of toothpicks 4-5 with you? मतलब each of you. अगर हो सके तो ऐसे 4-5 toothpick या pen या कुछ तो भी मतलब ऐसे पकड़ लीजिए ना, मतलब आगे use होगा बेटे। पेंसिल्स कुछ भी बताया था ना, हटा दूं ये? यस सर। मैक्सिमम 6 चाहिए ना?
मैक्स छह चाहिए यार, चार पांच से भी चल जाएगा यार, चार पांच, पांच से भी चल जाएगा अपना काम, क्योंकि नीचे वाला प्लेन का जो होगा पोजीशन वो तो हम दिखा नहीं पाएंगे ना, अभी इस पेपर के नीचे टेबल के नीचे कहां से मैं हाथ डाल के निकालूंगा है ना, तो पांच भी चलेगा बेटा। दिस इज डन राइट? यस सर। ओके सो चलिए ये हो गया, अब हम एम ए फोर बी टू से चालू करते हैं। देखिए एम ए फोर बी टू सिस और कैसे भी कर लीजिए बी ये ट्रांस। अब बेटे एक बात समझिए, अगर आप बी बी यहां पे लगाते हो तो एक ही बात है, मतलब ये मत सोचिए कि ये अलग है, आप जो ऑक्टेटल बना रहे हैं वो घुमा के आ जाएगा इसको, मेरी बात समझ रहे हैं? तो डोंट थिंक कि दैट इज डिफरेंट, राइट? दिस इज वन मिस्टेक पीपल डू। नाउ अच्छा एक बात देखिए, सर कैन यू प्लीज रिपीट द मिस्टेक पार्ट? आई एम सेइंग कि इफ यू टेक बी हियर और इफ यू टेक बी हियर दैट वोंट मेक एनी डिफरेंस, इट्स सेम। ओके सर। अच्छा अभी इसको छोड़ दीजिए, एम ए सिक्स में आइए। किसमें? एम ए सिक्स। तो मैं ये बता रहा हूँ आपको कि कौन कौन से प्लेन ऑफ सिमेट्री चेक करने होते हैं ऑक्टेटल में, ठीक है? तो देखिए एक तो स्क्वायर बेस, जो ये बेस है स्क्वायर बेस, वो चेक करनी होगी। कैसे पता लगेगा? अगर ये दोनों सेम हो गए तो स्क्वायर बेस प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ठीक है? एक तो वो प्लेन चेक करना है, फिर एक ये प्लेन चेक करना है और एक ये प्लेन चेक करना है। कितने हो गए? तीन हो गए। Yes, sir. Yes, sir. ना? एक चेक करना है बच्चों, ये वाला फोर्थ ही है, बीच में से डायहेड्रल प्लेन बोलते हैं इसको, ये भी सिमेट्रिकल आ सकता है कि इधर सेम इधर सेम इधर सेम इधर सेम, और एक चेक करना है ये वाला डायहेड्रल। तो ये पांच प्लेन मोस्टली चेक करने होते हैं बेटा, मतलब है ना, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ इसलिए कि आगे जब हम सिमेट्री चेक करेंगे तो आपको चमके। क्या है तो मैं पहला कौन सा बोला भाई? पहला स्क्वायर बेस बोला, मतलब दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये। तुम्हारा नाम क्या है बेटा? श्रेयांस। श्रेयांस। यस सर। ओके, काफी परेशान रहते हो यार तुम। कोई बात नहीं, तो मतलब आई होप कि आपको आ गया हो भाई, वी आर कूल श्रेयांस। यस सर। ओके सो दिस इज क्लियर व्हिच प्लेन्स वी हैव टू चेक, राइट बच्चों? सो विल कम बैक with the toothpick model later on. अभी देखिए ये दोनों ए इधर है, square base symmetry है, planar symmetry, ये इधर है, square base planar symmetry है, मतलब क्या आगे? Both inactive. Total GI कितने आ रहे हैं? दो. Total stereo कितने आ रहे हैं? दो. Cool है? अब देखिए next MA4BC. MA4BC भाई ये ए ए ए बी सी और भाई ए ए बी सी और ए ए, गेटिंग इट? तो अब देखिए भाई ये क्या आ गया? सिस आ गया, ये क्या आ गया? ट्रांस आ गया। अब देखिए ए है, ए है, मतलब क्या आ गया? बोथ इनएक्टिव। टोटल जी आई दो, टोटल स्टीरियो भी दो। इस पेज पे मैं इतना ही करूंगा, ट्राई टू मेक इट फास्ट। सर व्हाई आरंट वी कंसीडरिंग केसेस वेयर बी एंड सी आर ऑन एक्सियल पोजीशन? यस सर। आप देखिए जो भी डाउट पूछे तो नाम भी बताइए बेटा, नाम बताइए। सर माय नेम इज जयशंकर। जयशंकर। और दूसरा यस सर वाला बच्चा? यस सर कृष्णा। कृष्णा। भाई देखो कृष्णा और जयशंकर ये दोनों आइडेंटिकल हैं, दे आर आइडेंटिकल। दैट्स व्हाट आई वाज सेइंग कि इफ यू टेक बीसी 180 डिग्री हेयर और बीसी 180 डिग्री हेयर और बीसी 180 डिग्री हेयर, रिलेटिव पोजीशंस आर ऑल सेम। लाइक हाउ सी वन सी इज ऑपोजिट टू बी, वन सी इज ऑपोजिट टू बी, लाइक बी इज सिस टू ऑल ए, बी इज सिस टू ऑल ए, सी इज सिस टू ऑल ए, सी इज सिस टू ऑल ए, सो दे आर सेम बेटा, दे आर नॉट डिफरेंट। अच्छा ओके सर, गॉट इट।
Jayashankar, you just that the plane that we have taken in consideration is different. Yeah, matlab just you have made like this. Maine ise rotate karke bana diya. Ise rotate karke bana lijiye. Chahe ise yes, sir. Can we say like we rotated about the AMA wala diagonal? Kaise rotate kar lijiye? Bhai, koi koi issue nahi hai. Kaise rotate kar lijiye? Okay. Sir. Done, sir. All have done? Yes, sir. अब आइए हम A3B3 में. इसमें कितने फॉर्म आ रहे हैं? अब आप करके बैठे हो ना, बताइए. आद्विक बोल, कितने आ रहे तेरे? हम सर किया नहीं है अभी तक. किया नहीं है यार, ऐसे मत कर आद्विक भाई. मानवी तुम्हें कितने आ रहे हैं? श्रेया आइए. श्रेया कितने आ रहे हैं? दो ही आ रहे हैं. और एक और आया था, वो सिमेट्रिक था. दो स्ट्रक्चर्स. How to? Driti, any hint or something? No sir. No. चलिए देखिए भाई, मैं बता रहा हूँ. देखिए कैसे करते हैं ये भी बता रहा हूँ. सिस्टमैटिकली मतलब करना है. पहले मैं क्या ले रहा हूँ, ऑल सिस ले रहा हूँ, मतलब तीनों ए सिस और तीनों बी सिस, आप समझ रहे हैं. और फिर मैं ले रहा हूँ भाई एक ए ट्रांस और अब कैसे भी रख दीजिए, मतलब है ना, तीन बी रखने, ये तीन बी ऐसे आ गए. अब बच्चों देखिए भाई, सबसे पहली बात तो यही है कि यहाँ पर भाई पहला वाला ऑल सिस है, पहले वाले में कोई गड़बड़ नहीं है, बट दूसरे वाले को ट्रांस कहें या सिस कहें इज कॉन्ट्रोवर्शियल. क्यों? क्योंकि दो ए ट्रांस है, सर, एक लाइगन ट्रांस है और एक लाइगन और एक सिस है, बात समझो. तो इसका मतलब हमें यहाँ पे कुछ और नॉमिनेचर देखना पड़ेगा, सिस ट्रांस से अलग. अब देखिए भाई, सारांश बेटे एक बार में समझने की कोशिश करना प्लीज. मैं टूथपिक से बता रहा हूँ और पहले मैं इसको बताऊंगा फिर इसको बताऊंगा. देखिए रिपीट करने में कोई दिक्कत नहीं है अगर आपको नहीं आया हो, बट बेवजह रिपीट भी करवा देते हैं कई बार लोग, तो वो मत कराइएगा ना कि मैंने देखा नहीं, मैं कुछ और कर रहा था, मैं खुजा रहा था, आप खा रहा था, पी रहा था, सो रहा था. एग्जाम, ये तीनों कलर दिख रहे हैं आपको अलग अलग, ए थ्री बी थ्री? यस सर. चलिए बहुत बढ़िया. अब देखिए भाई, ये मैंने पहला वाला बना रहा हूँ मैं ऑल सिस, और ये ऐसे. अब नीचे रेड वाला होगा, मैं नीचे वाला नहीं दिखा सकता आपको. बताइए पहले, ये आपको समझ में आता है ऑल सिस है, आप इन तीनों को देख सकते हैं, ये तीनों ए हैं और ये दोनों और नीचे वाला रेड बी से ऑल से बी है. बच्चों व्हाट डू यू से? यस सर. अब इसे बताइए, प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख रहा है कोई? सर डायहेड्रल. हाँ वेरी गुड, डायहेड्रल प्लेन ऑफ सिमेट्री आएगा. अच्छा दूसरी बात देखिए बेटे, अगर मैं तीनों ए को ज्वाइन कर दूं तो एक ट्रायंगुलर फेस आ जाएगा. कैन यू इमेजिन? यस सर. सबको आ रहा है, चमक रहा है? इसमें भी देखिए, रेड वाले को दो ये और एक नीचे वाले को, तीनों को ज्वाइन करूंगा, एक ट्रायंगुलर फेस आ जाएगा. हां ना श्रेयंस, क्लियर बेटा? हां सर. यस वेरी गुड. मानवी क्लियर बच्ची? ठीक है, अगर कोई किसी को नहीं आया हो तो मतलब इसको हम इसीलिए फेशियल आइसोमर बोलने वाले हैं, फेशियल आइसोमर बिकॉज तीनों सिमिलर एटम्स या ग्रुप्स को अगर ज्वाइन करेंगे तो वी आर गेटिंग अ ट्रायंगुलर फेस. That is why we are going to call it a facial isomer. FAC से इसका short form आने वाला है. बच्चों cool है? आप सर triangle वाले को repeat कर सकते हैं? भाई मैंने 20 बार repeat कर दिया, आप बताइए ना आपको क्या नहीं आया? नहीं आता ना, like वो triangle face form हो रहा है, बस वही था ना भाई. तो बस वही है भाई, उतना ही बोला मैंने, चार बार repeat करा है. अच्छा अब इसको देखिए भाई,
यहाँ पे तो इसको बोलेंगे FAC और फेशियल आइसोमर। और इसको बेटे देखिए AA ना ये मेरिडियन मानते हैं, मेरिडियन है ना, मेरिडियन क्या होता है सेंटर से पास करता है एक लाइन है ना, तो इसको बोलते हैं मेरिडियोनल आइसोमर और इसका शॉर्ट फॉर्म होता है MER से। अच्छा इसमें देखिए भाई, इसमें तो स्क्वायर बेस सिमेट्री आ जाएगी बच्चों, है ना? यस सर। यस सर। अच्छा इसमें देखिए हमने कौन सी देखी थी सिमेट्री, याद है अभी? डाइहेड्रल, किसी ने एक ने बताया था है ना। तो एक बात देखिए बेटे, मैं डाइहेड्रल को भी ना इसी में बगैर बनाए कैसे चेक करना है वो बता रहा हूँ, देखिए ध्यान से। इस बार मैं रेड ले रहा हूँ फॉर अ चेंज ऊपर। तो अब ये देखिए ये डायड्रल आ गई, तो बेटे कभी भी ना डायड्रल चेक करनी है तो यहाँ पे चेक करा करिए, अगर यहाँ पे दोनों सेम हो, यहाँ पे दोनों सेम हो तो इस ए बी को लेते हुए, ए बी से पास करते हुए डायड्रल पे ना जाएगा। तो टू चेक डायड्रल सिमेट्री डोंट नीड टू एक्चुअली मेक दिस मॉडल ऑफ ऑक्टोहेड्रल, दैट बी लाइक कंबर्सम और मतलब थोड़ा टीडियस होगा वो बार बार ये सब करना। तो आप सीधा ये देख सकते हैं कि स्क्वायर बेस जो है ऑक्टोहेड्रल की, अगर इधर दोनों सेम हुए, इधर दोनों सेम हुए, 100% वहां पे डायहेड्रल सिमेट्री आएगी। कैसे भाई? कंटेनिंग ए बी। बच्चो वी आर गुड? तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख भी देता हूँ कि भाई इसमें ये ऐसे डाइहेड्रल प्लेन ऑफ सिमेट्री पासिंग थ्रू क्या जाएगा, ए एंड बी, कौन सा ए बी, ये ए बी है ना, ठीक है। तो भाई अब देखिए भाई, बोथ इनएक्टिव और टोटल स्टीरियो कितने आ गए, दो आ गए। एनी प्रॉब्लम? ए थ्री बी टू सी बताइए कितने आ रहे हैं जल्दी से। वैसे मैंने कल दिया था आपको बेटे, मतलब मुझे टाइम नहीं देना चाहिए अभी, बट काफी लोग नहीं कर पाए, आद्विक तू नहीं कर पाया तो मैं तुम लोगों की वजह से दे रहा हूँ। आद्विक प्लीज मेक इट फास्ट है ना। यस सर। और बाकी जो हमारे थोड़े स्लो मूवर हो भाई वो पहले लिख लीजिएगा अगर आपने कर रखा है तो, टाइम वेस्ट मत करिएगा कोई भी। कितने आ रहे हैं? आर्टिकल्स देखिए भाई मैं बता रहा हूं। एनीवेज देखिए पहले क्या करना है, सिस्टमैटिकली कैसे चलना है, पहले सारे सिस लेता हूं मैं कैसे बनाता हूं मैं आपको बता रहा हूं। ऑल सिस ए थ्री बी टू सी, ठीक है। अब इसे इधर भी रख सकते थे, सी को इधर भी रख सकते थे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एग्जैक्टली सेम है वो। अच्छा अब दूसरा देखिए ए ए ट्रांस रख दिया, अब एक ए के बाद एक बार तो बी दोनों सिस हो सकते हैं और एक बार दोनों बी जो हैं वो ट्रांस हो सकते हैं। पार्टिकल्स है ना, तीन आ गए। अब देखिए यहाँ पे भाई मैं एक काम करता हूँ, चलिए लिख देता हूँ। इनएक्टिव स्क्वायर बेस आ रही है प्लेनर सिमेट्री, यहाँ पे भी ए है तो स्क्वायर बेस आएगी, ये भी इनएक्टिव और इसमें देखिए ये इधर, ये इधर, यहाँ पे क्या आएगा, डाईहेड्रल सिग्मा, सिग्मा मतलब प्लेनर सिमेट्री के लिए होता है। और बेटे इसको भी हम एफ ए सी फेशियल आइसोमर कह सकते हैं, गेटिंग इट? तो ऑल, अभी तक हमारे पास एक भी एक्टिव वाला केस नहीं आया, ऑल इनएक्टिव, टोटल स्टीरियो कितने हो गए भाई, तीन हो गए। देखिए कोई दुख दर्द हो तो बताइए, अदरवाइज कॉपी। डन सर। डन सर।
हटा दूं उचो यस सर नेक्स्ट वाला और जैसे ही किसी का नोट हो जाए ना तो नेक्स्ट वाले पे तुरंत चले जाओ अपने आप ही है ना बिना पूछे एम ए थ्री बी सी डी कितने आ रहे हैं सो फोर स्ट्रक्चर्स आते हैं एक अनसिमेट्रिक है सो टोटल फाइव स्टीरियोआइसोमर्स क्या नाम श्रेया मानवी मानवी अरे वाह मानवी इस बार तुमने सही कर दिया वेरी गुड बेटे चलिए देखिए भी देखिए बच्ची ने कर भी दिया वैसे यहाँ ऑल सिस ये फेशियल आइसोमर और अब देखिए ऐसे सोचिए कि जब ए ए करेंगे तो बचा क्या भाई ए के सामने बी ए के सामने सी ए के सामने डी या सर्कुलर परमुटेशन तीन आने वाले हैं पहले ही समझ जाइए क्यों बच्चों ये ए ए के सामने सी ये ए ए के सामने डी ये सी था ए बी सी डी ए बी सी डी ए बी सी डी अब देखिए ये इनएक्टिव भाई ये इनएक्टिव स्क्वायर बेस आएगी जब ए आ गया तो सोचने की जरूरत नहीं है ये इनएक्टिव बेटे देखिए यहाँ पे स्क्वायर बेस भी नहीं आएगी और ये दोनों अलग भी हैं ये दोनों सेम नहीं है तो डायहेड्रल भी नहीं आएगा तो पहली बार हमें भाई एक्टिव केस मिला है ये एक्टिव तो टोटल जीआई कितने हो गए चार टोटल स्टीरियो कितने हो गए भाई दो एक्टिव और तीन इनएक्टिव जैसे बच्ची ने बोला पाँच और बेटे देखिए एक बार ये पूछ लेते हैं टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन डिस्टिलेशन ऑफ ऑल स्टीरियो आइसोमर्स कितने आएंगे बहुत आसान है वैसे फोर थ्री भाई देखिए भाई ये जो होता है मतलब आपने जरूर ऑर्गेनिक में शायद पांडे ने बताया होगा कि भाई इनेंशियमर्स जो होते हैं उनके मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होते हैं सेम होते हैं तो उनका बीपीएमपी सेम होता है तो इनेंशियमर्स एक ही फ्रैक्शन में आएंगे और जितने भी बाकी डायस्टीरियोमर्स हैं उनका बीपीएमपी अलग होता है मतलब दे में भी क्लोज बट विल बी डिफरेंट तो वो अलग अलग आएंगे तो हमेशा ये चीज़ जो होती है वो टोटल नंबर ऑफ जी आई के इक्वल होती है क्योंकि वो क्या है भाई डायस्टीरियोमर्स हैं तो कितने आएंगे चार आ जाएंगे अगर कुछ परेशानी हो तो प्लीज बता दीजिए अदरवाइज जल्दी से कॉपी कर मानवी नेक्स्ट करके रख पहले से ही सर यू आर गोइंग बाय द ऑर्डर ऑर्डर यू रोट यस्टरडे राइट व्हाट ऑर्डर लाइक आपने जो क्वेश्चंस दिए थे उसी ऑर्डर में आप कर रहे हो ना तो लाइक वी नो व्हिच नेक्स्ट पता नहीं यार मतलब मुझे मतलब मैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता मैं सारे क्वेश्चन वो हो जाएंगे ना मैं मुझे याद नहीं मतलब आपने बोला नेक्स्ट कर बेटे नेक्स्ट इसमें ए बी ए टू बी टू सी टू ही आएगा बेटे आप जो दूसरा हो आप वो कर लीजिए वो कभी तो आएगा ही ना भाई या दिस इज डन एम ए टू बी टू वाले में ए टू बी टू सी टू वाले में फाइव आ रहे हैं जिसमें से वन इज ऑप्टिकली एक्टिव सो टोटल सिक्स हो जाएगा वेरी गुड बेटे मानवी यू आर ऑन फायर नाउ अब तू विराट कोहली बन गई है तू अब तू जल्दी जल्दी सारे कर दे मानवी है ना हमसे पहले तो वो कर लिए थे पहले अच्छा कर लिए थे पहले ही कर लिए थे तो अभी करेक्ट कर रही है तू थोड़ा थोड़ा कि क्या नहीं सर आंसर लिखा हुआ है लिखा हुआ है गुड बच्चों हटा दो ये पेज ऐसा हाँ भाई तो देखिए ए टू बी टू सी टू तो देखिए इसमें कैसे करेंगे सिस्टमैटिकली बच्चों मतलब पहले ऑल सिस अगर आप सिस्टमैटिकली नहीं जाएंगे तो आपसे पक्का गलती होगी ए टू बी टू सी टू ऑल सिस अच्छा देखिए यहाँ पे दोनों सी सी है तो ए बी को एक्सचेंज करके कुछ अलग नहीं आएगा ठीक है फिर मैं जा रहा हूँ ऑल ट्रांस ए टू और बी टू सी टू
फिर मैं जा रहा हूँ एक पेयर ट्रांस बाकी पेयर सिस, ए टू ट्रांस, फिर बी टू ट्रांस और फिर सी टू ट्रांस, है ना। जो ऑप्टिकली एक्टिव होगा मैं आगे से अब लिखूंगा नहीं पूरा, ऑप्टिकली एक्टिव के लिए मैं राइट मार्क करूंगा और ऑप्टिकली इनएक्टिव के लिए मैं क्रॉस मार्क करूंगा टू सेव टाइम। तो दिस इज ए टू बी टू सी टू, बी टू ए टू सी टू, सी टू ए टू बी टू। तो ये इनएक्टिव, ये इनएक्टिव, ये इनएक्टिव, ये इनएक्टिव, इसमें तो कोई लोड नहीं है। इसमें देखिए ये इधर सेम नहीं है, इसमें इधर सेम नहीं है, डायहेड्रल भी नहीं है, तो ये क्या होगा, एक्टिव होगा। टोटल जी आई कितने आ गए, 5 आ गए। टोटल स्टीरियो कितने आ गए, भाई 2 एक्टिव और 1 2 3 4 4 इनएक्टिव, मतलब कितने आ गए, 6 आ गए। टोटल कॉलम्स वो एफ टी वो कितने होंगे, मतलब 5 ही हो जाएंगे। इस पेज पर मैं इतना ही लिखूंगा, मेक इट फास्ट। एंड अब कोई और भी आंसर दो, माधवी एक आंसर दे रही है सिर्फ। श्रेया तुझे क्या हो गया, धृति कहाँ है तू, धृति नहीं किया था मैं ऑक्टाहेड्रल का, नहीं किया था, नहीं सर दूसरा किया था, बट ये थोड़ा अच्छा नेक्स्ट वाला। हाँ भाई आद्विक तेरा क्या चल रहा है सर? हाँ सर मैंने भी ऑक्टाहेड्रल वाला नहीं किया था, तो अभी कर रहा हूँ। कर रहा है, जल्दी जल्दी कर बेटे, जल्दी देखो। सो एम ए टू बी टू सी डी में एक ए टू का दोनों का सिस, मतलब सबका एक बार सिस आ जाएगा, एंड देन ए टू का एक ट्रांस, बी टू का एक ट्रांस एंड सी डी का एक ट्रांस। तो बेटी मतलब सेम ही हो गया, तो और वो पहले वाले में जो सब सिस है उसमें प्लेनर भी, मतलब उसका जो प्लेन है उसमें भी बनता है। क्या नाम, श्रेया? यस सर। ओके चल श्रेया, नेक्स्ट कर, नेक्स्ट कर। क्या कहते हैं, ये कॉपी हो गया भाई? यस सर। देखिए एम ए टू B2 CD, तो वही पहले ऑलसिस, ऑलसिस मतलब A A B2 CD। अब बेटे देखिए इस बार क्या है, यहाँ पे अलग है तो इनको चेंज कर गया, तो CD को चेंज करिए या AB को करिए, किसी एक को करके एक अलग आइसोमर आएगा। तो A2 B2 और DC, तो ऑलसिस में दो आएंगे। और जो बच्ची हमारी कह रही थी अभी वो बिल्कुल बढ़िया कह रही थी, सही कह रही थी, भाई A A को ट्रांस रख दीजिए एक बार, भाई B2 को ट्रांस रख दीजिए एक बार, भाई CD को ट्रांस रख दीजिए। तो A2 B2 CD, B2 A2 CD, A2 B2 CD। अब देखिए बेटे यहाँ पे क्या आएगा, डाइहेड्रल सिग्मा, बच्चों हाँ है ना, इनएक्टिव, ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, यहाँ पे तो स्क्वायर बेस, यहाँ स्क्वायर बेस, यहाँ पे देखिए। अब बेटे एक बात समझिएगा ध्यान से, देखिए बेटे पीछे वाले केस में देखिए, A2 B2 C2 जब था तो ऑल सिस में तब भी सिमेट्री नहीं आई थी, एक्टिव आया था। तो बेटे जब CD कर दिया डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, तब तो सवाल ही नहीं होता सिमेट्री आने का, बात समझ रहे हैं। एंड दूसरी बात देखिए, इंपॉर्टेंट है, बहुत आसान सी बात है, सुनिए ध्यान से सब लोग, कि जब भी पेयर्स ट्रांस होते हैं, जैसे A2 ट्रांस हो गया, तो जैसे ही ट्रांस हुआ वैसे सिमेट्री ज्यादा बढ़ जाती है, क्यों, जो ट्रांस हो गया उसके अलोंग स्क्वायर बेस आ जाएगा। सिस में हमेशा सिमेट्री कम होती है, मतलब एक्सेप्ट वन केस, वो एक्सेप्ट वन केस कौन सा है मैं बताऊंगा आगे, बट मोस्टली ट्रांस हैज हायर सिमेट्री देन सिस। बच्चों यस और नो? है ना, तो ये एक्टिव और ये भी एक्टिव, मतलब टोटल जी आई कितने हो गए भाई, 6, 1 2 3 सॉरी क्या हुआ, कुछ गड़बड़ हो गई क्या, नहीं 5 कैसे आ रहा है, एक ऑल ट्रांस नहीं बनाया मैंने, पागल हो गया हूँ लगता है। A2, B2, CD, all trans रह गया था भाई, तो ये भी inactive है ना। तो total GI कितने हो गए, 6 हो गए, और total stereo कितने हो गए भाई, 1 2 2 active है, तो 4 active,
और एक दो तीन चार चार इनएक्टिव, मतलब क्या आ गया, आठ आ गया। अब नेक्स्ट वाला बता रहा है क्या कोई बच्चा, तब तक ही कॉपी करिए और नेक्स्ट वाला किसी ने करा है तो बोलिए। यस कम ऑन, सो शायद टोटल 9 आते हैं अगले वाले में। हां टोटल 9 आ रहे हैं, कैसे बेटे? हां एंड आई थिंक 4 नो 6 आर ऑप्टिकली एक्टिव। अच्छा अच्छा चलो देखते हैं। 9 कैसे कर रहे हो बेटे आप? सो पहले तो बना के कर रहे हो कुछ और? पहले तीन लाइक आई ड्रू एक एंड देन उसमें दो दो एक्सचेंज करा तो वो बार-बार नहीं ड्रा किया। अच्छा अच्छा लाइक चलिए ओके ओके बेटा ओके वेरी गुड। आपका आंसर भी अच्छा है बेटा। मानवी? यस सर। मानवी तो मैंने कहा ना विराट कोहली बन गई है, अब भी आउट नहीं होगी लड़की है मानवी। बच्चों ये हटा दूं? यस यस सर। चलो अब देखिए तो मानवी आई कैन ऑफर लाइक इजीयर सॉल्यूशन एक्चुअली, मतलब ना तो मैं देखना तू भी है ना, तेरा भी अच्छा है तरीका, तू मेरा देख। इज द आंसर लाइक 9 है कि 11? हां 11 तो गलत है बेटे, कोई बात नहीं जाने दो, देख लो मैं बता रहा हूँ। तो एम ए टू बी सी डी, देखिए भाई इसमें अगर बनाने लग जाएंगे तो अभी गलती हो ना हो एग्जाम में तो पक्का होगी, एग्जाम में इतना प्रेशर होता है बच्चे पे तो पक्का गलती होगी। तो देखिए मैं बनाने का तो मतलब ही नहीं है यार, है ना, ठीक है। देखिए मैथमेटिकली कर देंगे भाई, ए टू एक बार ट्रांस हो सकता है, एक बार सिस हो सकता है, ठीक है। और लेते हैं तो क्या होता है भाई, प्लस आता है, ठीक है। अच्छा अब ए टू ट्रांस हो सकता है तो यहाँ पे वही है स्क्वेयर बेस पे सर्कुलर परमुटेशन करने तो 3 फैक्टोरियल पाए 2 आइसोमर्स, बात समझ रहे हैं। और ऑल इनएक्टिव, कोई डाउट ही नहीं है इसमें कि स्क्वायर बेस प्लेनर सिमेट्री आ जाएगी, हाँ है ना। अब इसको देखिएगा ध्यान से बच्चों, भाई इसमें ये पोजीशन, मैं इसको राइट से डिनोट कर रहा हूँ, ये पोजीशन 1 से 180 है, 2 से 90 है। ऐसी और कोई पोजीशन है स्ट्रक्चर में भी? भाई ये पोजीशन, ये भी 1 से 180 है और 2 से 90 है, तो ये दोनों पोजीशन एक जैसी है बच्चों, कूल है? Yes, sir. श्रेयांश आगे बेटे, इससे कि 3 फैक्टोरियल बाय 2 नहीं समझा। बाप रे, अब बी के सामने सी, बी के सामने डी, बी के सामने ई, 3 आ जाएंगे, ऐसे समझ ले। अच्छा ओके, ये वाला बात समझ में आ गई बेटा, ये मैं पूछ रहा हूँ कि दोनों पोजीशंस एक ही तरह की हैं, यू गॉट इट? हाँ सर। ओके वेरी गुड। अब देखिए साहब इसके अलावा अब ये पोजिशन देखें तो ये पोजिशन और ये पोजिशन ये भी सेम है क्योंकि ये सबसे 90 है, तो हम ये कह सकते हैं देर आर टू पोजिशंस या टू टाइप्स ऑफ पोजिशंस और चार चीजें अरेंज करनी है, तो मतलब कितने कॉम्बिनेशन आएंगे, 4C2 आइसोमर्स आएंगे और ये सिस है तो ये क्या आएंगे, ऑल एक्टिव आएंगे। तो देखिए टोटल GI कितने हो गए, 9 और टोटल स्टीरियो कितने हो गए,
छह एक्टिव है तो 12 एक्टिव और 3 इनएक्टिव, मतलब क्या आ रहा है 15 आ रहा है पार्टिकल्स। देखिए कुछ यस बेटे सर, आपने 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 से डिवाइड क्यों किया सर? भाई मैंने पहले भी बताया था, आपको डाउट पता नहीं अब क्यों आ रहा है कि ये ए बी है यहाँ पे सी डी है तो इनको अपोजिट एक्सचेंज कर देंगे तो सेम ही आएगा, तो आप उसको मत लीजिए, आप 3 फैक्टोरियल बाय 2 मत लीजिए अगर आपको नहीं चमक रहा है। बी के सामने सी, बी के सामने डी, बी के सामने ई, 3 वेज खत्म बात है ना बेटे। यस दिक्कत है कुछ किसी को? आद्विक चमका तेरे को? I have a silly doubt sir, कि वो जो दो पोजीशन आपने दिए ना जिस पे टिक मतलब टिक मार्क दिए सर, उसमें 90 डिग्री कहाँ पे और 180 डिग्री कहाँ पे, वो समझा नहीं सर, मतलब they are at 90 degree and 180 degree। भाई ये इससे 90 है, मतलब ये एंगल देखना तो मैं नहीं सिखाऊंगा इस लेवल पे भाई, ये एंगल 90 है, ये एंगल 90 है, इन दोनों के बीच में 90 है, इन दोनों के बीच में 90 है, इन दोनों के बीच में 180 है, इन दोनों के बीच में 180 है, भाई ये तो एंगल देखना है यार, मतलब समझो यार। That's why I said it is a silly doubt. Not an issue, beta. I hope you could understand it now. Is it? Yes, sir. So, हमने जो like 4C2 isomers निकाल लिए, how are we so sure that like उसमें enantiomeric pairs नहीं होंगे, मतलब as in यार मतलब ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट देख रहे हैं ना, उसमें एनेंशियोमेरिक पेयर नहीं हो सकते। आपको अगर ऐसा लगता है कि इसमें एनेंशियोमेरिक पेयर आ जाएंगे, आप बना के देख लीजिए, है ना, आप बना के क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं बेटा। हम देख रहे हैं ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट, उसमें एनेंशियोमेरिक पेयर कैसे आ सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। चलो अब नेक्स्ट वाले का कौन बता रहा है? एक ही लड़की बता रही है, एक ही बच्चा बैट्समैन बैटिंग कर रहा है। देखिए मानवी बोलो जो इसका। The 15 structures आए थे and then each all of them are asymmetric. Very good like, बेटी बहुत बढ़िया। देखिए साहब अब ऐसे समझ लीजिए, ए यहाँ पे रख दिया तो यहाँ पे वी हैव 5 choices, हाँ है ना? हाँ सर 5 है ना बच्चा, और 5 choices आ गई। अब भाई ये देखिए कि बचा क्या, भाई बचा यहाँ पे भाई बी सी डी अरेंज करना है बच्चों, बीसीडी अरेंज करना है तो बी के सामने सी, बी के सामने डी, बी के सामने ई, 3 आएंगी, 5 choices भाई हेयर एंड 3 choices और 3 वेज ऑन स्क्वायर बेस, तो एंड जब आता है तो मैथमेटिक्स में क्या होता है मल्टीप्लिकेशन आता है, तो 5 यहाँ पे आए और भाई इनटू 3 कर लीजिए या 3 फैक्टोरियल बाय 2 कर लीजिए, एक ही बात है, मतलब 15 जी आई आएंगे और टोटल स्टीरियो इस बार कोई चांस ही नहीं है कैंसिल होने का, टोटल स्टीरियो 30 आ जाएंगे। देखिए हमने मोनोडेंटेट फिनिश किया है, अगर कोई दुखिया दर्द है तो बोल दीजिए और अदरवाइज बाइडेंटेट पे आते हैं अपन। सर आपके उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, जस्ट दैट सर 2D फिगर्स में आप जब थर्ड डायमेंशनल एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे थे मुझे नहीं समझ में आया, इज वुड इट बी पॉसिबल कि इसका 3D रिप्रेजेंटेशन कहीं पे मिल जाए ऑनलाइन? बेटे अगर होता तो मैं पढ़ा रहा होता क्या? नहीं सर, है ना, तो आपको जो नहीं आया, मतलब मैं इतनी देर से हर एक केस में बोल रहा हूं, आपका नाम क्या बेटे? तो मुझे ऐसा है डिसलेक्सिया, मुझे 2D फिगर्स नहीं समझ में आते सर, सही से, I'm so sorry। बात नहीं भाई, मैं आपको नाम पूछ रहा हूँ आपका, मतलब आप क्यों परेशान? चैतन्या सर, चैतन्या है मेरा नाम। अच्छा चैतन्या, तो चैतन्या कोशिश ये करो कि जब तुम्हें 3D नहीं समझ में आया ना बेटे मुझे उधर ही बता दो, तो मैं एक्स्ट्रा एफर्ट डाल के तुम्हें जरूर कोशिश करूंगा, है ना बेटे? आई कैन डू दैट मच फॉर यू, बट अगर आप एंड में बिल्कुल कहोगे तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर मी, यू ट्राई टू अंडरस्टैंड माय पार्ट आल्सो, यू नो। Yes, sir. मुझे लगा कि मैं क्लास में बीच में बोलूंगा डिस्टर्ब कर दूंगा, वैसे एक काम कर ले तू अभी मतलब अब से जो तेरे को नहीं आए वो तो तुरंत बोल देना, और जो बचे हुए हैं वो एंड ऑफ द लेक्चर में मैं तेरे को 10 मिनट एक्स्ट्रा दे दूंगा, विल दैट डू चैतन्या? थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर। ओके बेटे
सो डू वन थिंग, अभी जब नहीं आया ना चैतन्य तो तू तुरंत बोल देना मेरे को, है ना, कि नहीं नहीं आया तो अपन मतलब है ना उसमें थोड़ा झगड़ा करेंगे, और जो बचे केस है उनको 10 मिनट में बाद में कर देंगे बेटे. क्या कहते हैं भाई, आगे बढ़े चिंता जनार्दन? यस सर. चलिए MA3 बताइए क्या कह रहे हैं. तो अब मानवी फास्ट बॉलर लगा दिए मैंने मतलब मेरा मतलब है कि अब बाय रेंटेड में थोड़ा और अच्छा हो जाता है ना. लेट अस सी योर बैटिंग इन आवर ना, यू नो. यस मानवी, इसमें तो सारे आइडेंटिकल है, एक ही है ना स्ट्रक्चर. एक ही स्ट्रक्चर है. एक्टिव इनएक्टिव? इनएक्टिव है पूरा. अच्छा चलो, और आद्विक? सर एक ही स्ट्रक्चर है, वो एक्टिव आ रहा है. क्या रहा, एक्टिव आ रहा है? अच्छा नहीं कोई बात नहीं, तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपका व्यू ले रहा हूँ, मैं अपना व्यू दे नहीं रहा हूँ अपना. सर इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी ना? हाँ सर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है. क्यों नहीं है बताओ रीजन. सेलेक्ट विजुअलाइजेशन से डायहेड्रल प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं नहीं आएगी, नहीं आएगी मालवी. डायहेड्रल बॉन्ड्स की वजह से नहीं आएगा. ओ सॉरी सर, यस सर, बॉन्ड्स देखा नहीं मैंने, सॉरी सर. हाँ 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 गड़बड़ करिए तो मानवी बेटे आप पहली बॉल पे आउट हो गए यार, मतलब आउट फिंगर पे. सर आई डिडंट सी दैट यस्टरडे, लाइक आई डिडंट नो द बॉन्ड वाला. या अंडरस्टैंड इट, आपने पहली बार में जो किया बेटे वही बहुत अच्छा किया वैसे, है ना. चलिए भाई अब देखिए चैतन्य. यस सर. ये स्क्वायर बेस है बेटे, मैं तेरे पे खास फोकस करके बता रहा हूँ. ये ऊपर है और एक नीचे जा रहा होगा बेटे, तेरे को ये समझ में आता है क्या? ऑक्टेड्रल? यस सर. अच्छा तो देख मतलब तू बता देना, जहां नहीं आए बता देना मेरे को, तुरंत रोक देना, है ना बेटे. ये देख बच्चों, सभी लोग देखिए, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं एक अकेले बच्चे को पढ़ा रहा हूँ, सभी को पढ़ा रहा हूँ, मतलब सभी बोल दीजिएगा अगर नहीं आए. ये देखिए ये दोनों कनेक्टेड होंगे, ये दोनों ऐसे कनेक्टेड है. यस यस सर. अब इसका देखिए, इसका अगर सिमेट्री आना है तो इधर भी ऐसे ही कनेक्शन होना चाहिए. Yes. बट वो तो नहीं है भाई, जब ये इन दोनों से कनेक्ट हो गया तो ये इससे ये कनेक्ट नहीं हो सकता. तो ये समझिए कि ये जो कनेक्शन है इनका, ये जो ब्रिज है इनके बीच में एक तरह से, इसका सिमेट्रिकल कुछ भी पार्ट उधर नहीं है, इसका इसके जैसा पार्ट सामने नहीं है. बच्चों हाँ या ना? Yes, sir. अच्छा इसको देखिए, यहाँ पे कनेक्टेड है, इसका भी ऑपोजिट में ऐसा कनेक्शन नहीं है, ये दोनों कनेक्टेड नहीं है, ये नीचे वाले से कनेक्टेड है. बात समझ रहे हैं? तो अब ये देखिए कि अगर आप यहाँ पे MA6 लेते, MA6, तो वहां पे बहुत सारे प्लेन ऑफ सिमेट्री आते, लेकिन जब ये कनेक्टेड है तो यहाँ पे सिमेट्री ड्रास्टिकली कम हुई है. वो जो मैंने आपको कहा था कि भाई बायरेंटेड में कम हो जाएगी, तो देखो ये दोनों कनेक्टेड है तो इसका सिमेट्रिकल ब्रिज नहीं है, इसका नहीं है, नीचे वाले का भी नहीं है, तो इसमें एक्चुअली कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आएगी. ये बहुत स्पेशल केस है कि जिसमें कोई ज्योमेट्रिकल नहीं है बट ऑप्टिकल है. चैतन्य कुड यू अंडरस्टैंड इट बेटा समवट? नो सर. हाँ बेटे. नो सर नहीं समझ में आया. नहीं आया तेरे लिए मैं क्या कर सकता हूँ बेटे. देख ये 2D वाला, मतलब तेरे को 3D वाला फिगर नहीं समझता ऐसा बोल रहा है तू. सर वो मेरे व्हाइल विजुलाइजिंग इट वो पूरा वार्प हो जा रहा है सर, मैं नहीं विजुलाइज कर पा रहा सर. मैं इसके लिए कुछ फिगर आउट कर लूंगा सर, आप क्लास को नॉर्मली करवाऊं मैं, आई लुक अप समथिंग ऑनलाइन. नहीं नहीं अरे अरे मतलब तू इतना परेशान मत हो भाई, सुन मेरी बात, तुझे कुछ ऑनलाइन नहीं करना. तू क्लास के बाद ना अपन 10 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ेंगे आज, ठीक है? तो उसमें देखेंगे कुछ वर्कआउट करने के, ठीक है बेटे? डू यू हैव सच टूथपिक विद यू or something, pen or something? हाँ मैं ले आऊंगा सर, ऐसा कुछ नहीं. अच्छा ले लिया है ना, तू लेके रख ले, और जो जो केस नहीं आ रहा वो मैं तेरे को एक बार और, मतलब कल डाउट लेक्चर भी है ना हमारा वैसे. Yes, हाँ तो चैतन्य डू वन थिंग, मैं डाउट लेक्चर में ना तू जरूर अटेंड करना, और मैं तेरे लिए मतलब आई विल गिव यू 15-20 मिनट्स एटलीस्ट, ठीक है? चलिए ओनली वन ज्योमेट्रिकल फॉर्म. चैतन्य यू गॉट इट बेटा? यस सर यस. है ना कल अपन 15-20 मिनट आपस में मतलब है ना
मतलब डिस्कस करेंगे. ओनली वन ज्योमेट्रिकल फॉर्म, नो सिग्मा और आई, टोटल स्टीरियो दो. ठीक है, यू कैन ट्राई, मतलब यू कैन हैव वन थिंग चैतन्य, मतलब तेरे को उसमें भी दिक्कत हुई होगी यार ऑप्टिकल में जब ऑर्गेनिक का पढ़ा होगा तूने. तो बहुत ज्यादा मेरा जीओसी अभी जस्ट रिसेंटली उसका पूरा बैकलॉग खत्म हुआ ऑर्गेनिक का. तेरे को मैं एक सजेशन ये दूंगा यार कि इफ यू कैन गेट इट, जो मॉलिक्यूलर मॉडल नहीं आते वो Amazon पे आते हैं मॉडल्स, तो वो ऑर्डर किए थे सब, मेरे लिए ज्यादा हेल्पफुल नहीं हुआ क्योंकि कुछ फिक्स्ड एंगल्स पे ही थे एंड मैं उनके साथ पूरी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं थी. आई परचेज दिस ऐप सर कैम डूडल करके. अच्छा कैम डूडल पता है मेरे को. हां हां आई हैव दैट सर. एंड दूसरी चीज मैं आईपैड पे मॉडलिंग कर लेता हूं 3D मॉडलिंग, तो उससे मेरा थोड़ा सा विजुअलाइजेशन में हेल्प होता है. तो एक काम करना यार, मतलब अभी ना जब तू डाउट लेक्चर में मेरे से डिस्कस करेगा तो तू अपने आईपैड से कनेक्ट होके स्क्रीन शेयर करके मेरे को, मतलब हम अपन करेंगे है ना. ओके सर, दैट विल मे बी मतलब डू द ट्रिक यू नो. यस सर. ओके भाई सर, पबकैम करके एक ऐप है सर, उसमें मतलब 3D मॉडल्स होते हैं, वो बहुत यूजफुल है. पबकैम भी अच्छी है. हां पबकैम भी अच्छी ऐप है. कैम डूडल और पबकैम दोनों में से कुछ एक करेंगे बेटा, करेंगे उसको ना. चलो ये हटा दूं सर. इज इट नॉट पॉसिबल कि ये जो बाइडेंटिट है वो ऐसे ट्रांस ट्रांस जैसे कनेक्टेड हो? नहीं नहीं, क्योंकि बाइडेंटिट के कोऑर्डिनेटिंग साइड हमेशा सेस होते हैं, बात मैंने बताई है. ओके सर, सॉरी सर, है ना. 21st is done, page 21st. Yes, yes sir. Yes. Okay. So now, by 22 and MA to A2. Articles, बताइए, देखिए. Sir, इसमें दो active, एक inactive आ रहा है. Very good. A2 और A2. ये आ गया सिस और भाई एक बार AA, ये AA और ये A2, ये आ गया ट्रांस. अब देखिए ये तो इनएक्टिव आना ही है, मतलब ये तो दिख रहा है कि प्लेन स्क्वायर बेस आ जाएगी क्योंकि AA है और इसको मीसो भी बोलते हैं. इसमें देखिए बेटे, अब यहाँ पर भाई एक, ये दो, ये तीन और ये चार ऐसे है, ये बायरेंटेड लिए मैंने सर, बात समझ रहे हैं. अब देखिए ये दोनों कनेक्टेड होंगे और ये दोनों कनेक्टेड होंगे, तो फिर वही बात है कि मतलब इसमें इसका कोई सिमेट्रिकल काउंटर पार्ट नहीं है, मतलब इसका सिमेट्रिकल काउंटर पार्ट इधर कुछ नहीं है और इसका इधर है, इधर भी कुछ नहीं है, तो इसमें कोई सिमेट्री नहीं आएगी बच्चों. और कोई सिमेट्री नहीं आएगी तो ये क्या होगा, ऑप्टिकली भाई एक्टिव और टोटल जी आई कितने हो गए दो, टोटल स्टीरियो कितने हो गए भाई दो एक्टिव और एक इनएक्टिव, टोटल 3. इस पेज पे मैं इतना ही लिखने वाला हूँ, बहुत कम लिखा है, कॉपी जल्दी से कर दीजिए. सर आपने यहाँ पर जो सिस डिनोट किया दैट इज बिकॉज ऑफ स्मॉल ए, राइट? एब्सोल्युटली. उसका मतलब क्या है, समझ नहीं आ रहा. वो कोऑर्डिनेटिंग साइड जो है वो 90 पर ही हो सकते हैं, 180 पे नहीं हो सकते हैं. ये ए और ए यहाँ पे होगा, ये ए और ओके सर समझ. भाई ये 22 पेज हो गया. अब देखिए नेक्स्ट कौन है हमारा. एक एक्टिव है, लाइक दोनों से एक एक्टिव आ रहा है. हाँ बेटी, वेरी गुड, शाबाश. कोहली इज बैक. ए ए
ए बी, ये देखिए जैसा बच्चे ने कहा सिस और एम ए ए ए ए ए बी, अब ये बताओ इसमें सिमेट्री आएगी क्या? नहीं सर, डायहेड्रल सिग्मा और इसमें भाई एक्टिव है ना, तो पिछले वाली की तरह था भाई टोटल। सर एक डाउट है, बोलना यार। सर ये सिस में ए और बी को एक्सचेंज करके दूसरा नहीं बनेगा? नहीं बनेगा क्योंकि यहाँ दोनों ए हैं बेटे। और सर बट बॉन्ड्स का पोजीशन अलग है ना वो भाई, लेकिन कनेक्टिविटी सेम है, तू बना के देख ले, अलग नहीं आएगा। तू ए को एक से ही चेंज करेगा ना, और क्या करेगा ये? अगर तू देख ऐसे सोच, इसको तूने ए यहाँ पे रखा है तो एक ए से ऑपोजिट है, एक ए से सिस है, यहाँ पे रख देगा तो साथ में वो बॉन्ड भी देखेंगे ना, बाइडेंटिटेड बॉन्ड। भाई तुम्हारा नाम बताओ। जय। जय, मैं बोल तो रहा हूँ भाई कि मतलब तू बना के देख ले, तू बना के देख ले इससे अच्छा, मतलब ये ले तू इस, सिर्फ इसमें हम आर्गू ही करते रहेंगे तो नहीं होगा ना बेटे। ये देख, ये बना लिया मैंने, ठीक है बना लिया। अब मुझे बता दे कैसे डिफरेंट है भाई, हाउ इट इज डिफरेंट? दे आर एब्सोल्युटली सेम। देख ये ए के एक ऑपोजिट ए है, ए के ए ऑपोजिट है, ये ए के बी ऑपोजिट है। रिलेटिव ज्योमेट्रिक अरेंजमेंट देखते हैं, जब हम देखते हैं कि सेम है कि डिफरेंट है, तो सब कुछ सेम है बेटा। अब तो कुछ होप ही नहीं है, ये तो होपलेस है। A, A, no GI, no OI, ठीक है, और MAA, A3B, इसमें थोड़ी उम्मीद की किरण है भाई। A, A, तीनों A सिस और ये ऐसे, और या फिर भाई A, A और ये ऐसे। और अब देखो दोबारा से, मतलब जयशंकर, ये दोनों को चेंज करके कुछ अलग नहीं आएगा बेटे, ये दोनों क्योंकि इधर दोनों सेम है। अच्छा सिमेट्री की बात करें तो ये इनएक्टिव है, और ये वाला इसमें डाईहेड्रल सिग्मा है, तो ये भी इनएक्टिव हुआ। तो टोटल जी आई इक्वल टू टोटल स्टीरियो है, और ये कितना है, दो है। देखिए कोई लोड हो तो बताइए, अदरवाइज कॉपी करिए। सर MAA A4 में स्क्वायर बेस सिमेट्री आ रहा है ना भाई? हाँ मतलब बहुत सारे हैं, डायहेड्रल भी है, ये भी है, वो भी है। हाँ सर मतलब ओके। अच्छा चैतन्य, चला गया क्या लड़का? पबकेम किसने बताया था? पबकेम मिल नहीं रहा है आप यार, मैंने सुना है ये दोनों ऐप। सर मतलब गूगल पे सर्च कर सकते हैं ऑनलाइन पबकेम है ना। यार जब भी तुम फ्री रहो बेटे तो उसका अगर लिंक तुम्हें मिले तो मुझे फॉरवर्ड कर देना। ओके सर, थैंक यू सर। उसमें अलग-अलग टाइप के मॉडल्स होते हैं, मतलब बॉल एंड स्टिक मॉडल, स्पेस फिलिंग मॉडल भी, और 3D। हां मैंने एप्स यूज करी हैं बट मैंने ये पर्टिकुलर मतलब नाम भी सुने हैं मैंने, बट ये मेरे को पबकेम्स करके मिल नहीं रही है। मैं अभी देख रहा हूं प्ले स्टोर पे किंग ड्रॉ केमिकल स्ट्रक्चर राइट फार्मूला, हो सकता है उनमें से कोई एक ऐप करूंगा। सर किंग ड्रॉ पर ऑर्गेनिक ही बनता है। किंग ड्रॉ अच्छा है वो, सर मतलब लाइक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बनते हैं उसमें लाइक। अच्छा इनऑर्गेनिक नहीं बनते उस पे? सो लाइक इनऑर्गेनिक ट्राई नहीं किया कभी बट ऑर्गेनिक बनते हैं उस पे लाइक। ट्रा करके एक 3D शेपिंग ऐप है, उस पे आप मतलब ज्योमेट्रिक स्ट्रक्चर्स बना सकते हो, कोई भी किलाटाइस वो सब बन जाते हैं। दूसरे टेट्रा सर, वो iOS से बस। एंड फिर सर एक दूसरा है सर शेपर 3D, वो सर एक प्रॉपर 3D प्रिंटर का ऐप है, उसमें कुछ भी बन सकता है। क्या नाम बताया बेटा एक बार दोबारा बोलोगे? सर एक टेट्रा है हाँ, एंड दूसरा शेपर 3D SHAPR। अच्छा शेपर SHAPER नहीं सर, SHAPR है बस। अच्छा शेपर 3D, यस सर। थैंक यू बेटा, आपका नाम?
सर चैतन्य अच्छा चैतन्य ही है क्या थैंक यू चैतन्य सर पबकेम में मतलब इट्स मोर लाइक एन इंडेक्स ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल्स तो जो प्री एग्जिस्टिंग मॉलिक्यूल्स हैं आप उनके स्ट्रक्चर अच्छे से देख सकते हैं अच्छा 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 ऐसे किसी ने भेजी है मेरे को चलिए मैं देखता हूँ आज मैं एक्सप्लोर करता हूँ चैतन्य तेरे लिए कुछ ना नया ठीक है बच्चों दिस पेज इज डन बच्चों 2:10 मैक्सिमम 2:15 तक पढ़ेंगे आई एम सॉरी जो भाई बहुत थक गया हो वो आप लॉग आउट कर सकते हैं रिकॉर्डिंग मिल जाएगी कोई इशू एम ए ए टू बी टू अब देखिए कितने जी आई आ रहे हैं इसमें सर 3 GI एंड 4 CD अच्छा इसको देखो करने का मैं बिल्कुल सही है आपका मैं एक और तरीका बताता हूँ GI देखने का इसमें डायरेक्ट इसको आप ये देखिए ये एम ए टू बी टू सी टू जैसा है बट इसमें ए टू कैन नॉट बी ट्रांस बात समझ रहे हैं तो इसका मतलब इसमें कितने आए थे 5 GI आए थे इसमें माइनस ऑल ट्रांस कर देंगे और माइनस ए टू ट्रांस कर देंगे देखिए डायरेक्ट हम कह सकते हैं 3 GI इसमें है ना मतलब एक तो बना के तो देख ही सकते हैं भाई एम ए ए ए टू बी टू एम ये मैंने सिस बनाया फिर ए टू बी टू और ए ए बी टू और ये ए टू ठीक है यहाँ तक देखिए जी आई बनाया सर और चला गया जस्ट अ मिनट यार तो अब देखिए भाई ये तो इनएक्टिव है दिख ही रहा है ठीक है yes. ये इनएक्टिव है ठीक है और ये वाला बेटे एक्टिव आएगा आप ये सोचिए है ना ए टू बी टू सी टू है तो ए टू बी टू सी टू में भी सिस क्या था एक्टिव आया था और जब ये बाइडेंटेड हो गए तो सिमेट्री और कम हो जाएगी तो ये क्या होगा एक्टिव आएगा तो टोटल जी आई कितने आ रहे हैं भाई 3 आ रहे हैं टोटल स्टीरियो कितने आ रहे हैं भाई 2 एक्टिव और 2 इनएक्टिव मतलब कितने आ गए 4 आ गए पार्टिकल्स देखिए कोई लोड हो तो बताइए सर हमने ऑल ट्रांस वाले केस सबट्रैक्टिव किए मतलब ए टू ट्रांस समझ में आया बट ऑल ट्रांस भाई ऑल ट्रांस में ए टू ट्रांस होगा ना यार गजब आदमी भाई मैं ए टू ट्रांस नहीं लेना है तो एक बार तो ए टू ट्रांस वाले में ए टू ट्रांस है अब फिर ऑल ट्रांस वाले में भी तो ए टू ट्रांस है ना ओके सर दोनों इनएक्टिव में स्क्वायर बेस से किया ना सिमेट्री यस बेटे नेक्स्ट में 3 GI होके और 5 TDO ए टू बी सी बोल रहा है तू हाँ सर 3 GI कर रहा है गड़बड़ कर रहा है थोड़ी सी दोबारा देख ले यार ओके सर कहाँ गया विराट कोहली कहाँ है हमारा विराट कोहली अच्छा अच्छा सर 4 GI ओके 4 GI होंगे देखो इसने सही कहा हाँ सर वो ए ए प्लेन में हो जाएंगे वो बाइडेन टेक ये हो गया इज दिस पेज डन यस सर देखिए आज आपको पढ़ाने में मजा आया मतलब पिछली क्लास तो बहुत ही झेल गई थी यार मतलब थोड़ा सा आप थोड़ा सा फास्ट करेंगे ना यार तो देखिए मतलब मेरे को कोई इशू नहीं है मैं आपको 2 साल में भी सिलेबस करा सकता हूँ बट आपका एग्जाम इस साल है तो मैं आपको बाकी बैचेस से हम थोड़ा सा स्लो वैसे भी है मतलब तो थोड़ा सा आप फास्ट करेंगे तो आपको भी मतलब देखिए पेन नहीं होगा मुझे भी पेन नहीं होगा और मतलब न्यूटन का लॉ तो चलेगा मतलब पेन कहीं से एक तरफ से आएगा तो दूसरी तरफ से भी आएगा रिएक्शन और एक्शन यू नो मतलब तो बस थोड़ा सा जल्दी लिखने की कोशिश करिए आप 20 बार मेरे से पूछिए कि जो समझने आना आप 20 बार पूछिए मैं 20 बार बताऊंगा बट इट शुड बी अ लॉजिकल डाउट ऑफ कोर्स मतलब ये नहीं कि ए लिखा है क्या इसी को 20 बार पूछ रहे हैं तो वो इट डजंट मेक सेंस राइट एनीवेज लेट्स कम बैक टू दिस एम ए ए टू बी सी तो देखिए इसको आप ऐसे भी तो सोच सकते हैं ना कि भाई ये इक्विवेलेंट है मतलब किसके एम ए टू
बी टू सी डी के, और भाई वेयर ए टू कैन नॉट बी ट्रांस, मतलब पता नहीं क्या दिमाग में चला था, बी लिख दिया मैंने, ए टू कैन नॉट बी ट्रांस, हाँ ठीक है। और इसमें कितने आए थे, 6 जी आए थे, तो मतलब एक ए टू ट्रांस निकाल देंगे इन पर्टिकुलर, और एक ऑल ट्रांस निकाल देंगे, तो कितने आ गए, 4 जी आ गए डायरेक्ट। और भाई अब बना लेते हैं ए ए ए टू बी सी, ए ए भाई अब देखिए भाई यहाँ पे आप ये समझिए ए टू बी सी मैंने करा ना, ठीक है कर सकता हूँ मैं भाई, ये ले लिया ऑल सिस, मैंने ए टू क्या लिया, सिस लिया ना भाई, तो मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ कि बी को मैं इधर ले लूँ अगर, तो देखिए समझिएगा ध्यान से बेटे, अलग फॉर्म आएगी, कैसे आएगी कि ए के सामने सी है, अब ए के सामने बी है, एक्चुअली जैसे इसमें अगर आप देखें तो दो सिस आए थे अगर आपको याद हो, तो इसमें भी देखिए दो ही सिस आ रहे हैं, और फिर एक ट्रांस ले लेंगे भाई ए ए ए टू बी सी, और एक ट्रांस ले लेंगे तो भाई बी सी और ए टू। अब बताइए सिमेट्री बेटे, इसमें इसमें सिमेट्री है क्या? यस सर, डायहेड्रल, यस वेरी गुड, डायहेड्रल सिग्मा इनएक्टिव, ये तो स्क्वायर बेस आ गई इनएक्टिव, यस इसमें दोनों एक्टिव, एक्टिव ये भी एक्टिव, तो टोटल जीआई कितने हो गए, 4, टोटल स्टीरियो कितने हो गए भाई, 4 एक्टिव और 2 इनएक्टिव। बच्चा बाटी कॉपी कर लीजिए, बिल्कुल परफेक्ट। बच्चों इज इट डन? पक्का ना? चलिए बस लास्ट केस डिस्कस करते हैं यार, छोड़ो 2:15 तक भी बहुत हो जाएगा, मैं भी 7:30 से लगातार क्लास ले रहा हूँ, मतलब आप भी ले रहे हो, आप पढ़ रहे हो मैं पढ़ा रहा हूँ, तो दिस इज द लास्ट केस फॉर दिस क्लास। अब जो बचे हुए हैं वो करने हैं, और मैं आपको होमवर्क भी दूंगा अलग से, मतलब थोड़ा ऐसे भी क्वेश्चन दूंगा जो मैंने जिस तरह के नहीं कराए हो, थोड़ी नई चीज तो दूंगा ही ना, तो एम ए ए बी सी डी, देखिए ये आप ऐसे समझिए एम ए टू बी सी डी के इक्विवेलेंट है, अब इसे ए बी सी डी लीजिए कि बी सी डी लीजिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा बच्चों, है ना, लाइक यू कैन टेक एक्स वाई जेड और समथिंग पी क्यू आर एस व्हाटएवर यू वांट, लाइक दैट्स नॉट एन इशू, सो आई एम सेइंग दिस इज इक्विवेलेंट टू एम ए टू बी सी डी, वेयर अगेन ए टू कैन नॉट बी क्या आएगा, ट्रांस, ए टू ट्रांस नहीं हो सकते, तो अब इसमें कितने आए थे याद है आपको, 9 आए थे, उसमें से 3 ट्रांस आए थे, तो 9 जीआई में से 3 ए टू ट्रांस निकल जाएंगे, तो यहाँ पे 6 जीआई आएंगे। एक तो तरीका ये है करने का भाई, दूसरा तरीका भी ले सकते हैं, दूसरा तरीका क्या होगा भाई, एम ए ए, अब देखिए जो फ्रेमवर्क बचा है भरने के लिए ये 4 है, फिर वही बात है कि ये पोजीशन और ये पोजीशन ये एक जैसी हैं, ये पोजीशन एक जैसी हैं, दो तरह के पोजीशन हैं, 4 चीजें अरेंज करनी है, 4 से 2 आइसोमर्स, और टोटल जीआई कितना हो गया भाई, 6, टोटल स्टीरियो कितना हो गया, 6 एक्टिव है तो 12 एक्टिव, 6 इनेंशियमेरिक पेयर्स पार्टिकल्स, आर वी गुड? यस सर, यस सर। चलो तो बेटे अब देखो आज इतना ही करते हैं, मैं अब नेक्स्ट पेज पर थोड़े से और क्वेश्चंस लिखूं कि नहीं लिखूं सोच रहा हूं, चलो अभी नहीं लिखता यार, मैं पहले ए बी वाले डिस्कस करता हूं, नहीं तो फिर मजा नहीं आएगा। तो अब देखिए जो बचे हुए हैं ना वो सभी बच्चे, मतलब हर एक बच्चा
कोशिश करिएगा कि आप अपना आंसर निकाल के रखो, चाहे सही हो चाहे गलत हो, ठीक है? और चैतन्य, आर यू देयर? यस सर। मिडिल, लेट अस डिस्कस। मतलब तू ना अपने आप से जो तेरे को केस नहीं आए उनको मार्क करके रख, और मतलब मैं मतलब पक्का बोल रहा हूँ कि कल के डाउट लेक्चर में हम मतलब मैं तेरे को आई गिव यू 15-20 मिनट एक्स्ट्रा। तो यू ऑल्सो देख, यू हैव टू टेक इनिशिएटिव। मतलब मैं भूल भी सकता हूँ, मैं बहुत बैच पढ़ाता हूँ, समझ रहा है? सो आई मे फॉरगेट, राइट? तो तू मेरे से मतलब चैतन्य मेरे को याद दिला देना सर, हमें वो डिस्कस करने थे, ठीक है? यस सर, थैंक यू सो मच सर। मानवी आप बताओ क्या कहती हो, इसका आंसर आप दे दो। क्या ये पूछ रहा है? याद करना है कि ये बना के देख सकते हैं। भाई यहाँ पे बना के क्यों दिखा रहा हूँ? अगर मुझे याद कराना होता तो मैं आपको टेबल दे देता कि इसे याद कर लो, है ना? तो बनाना इसको सिखा रहा हूँ श्रेयांश मेरे लाल कि भाई तुम वहाँ पे बना सको, ठीक है बेटे? आपने जीआईसी डिस्कस कर ली है क्या? नहीं बेटे, कल के डाउट लेक्चर में हम बुकलेट भी डिस्कस करेंगे, ठीक है बेटे? यस यस यस। उसमें और फिर दूसरे कंपाउंड बना रहे थे। एक काम करो, कल डाउट लेक्चर है, आप वो क्वेश्चन इकट्ठा कर लो और मुझे दिखाओ, मैं जरूर आपको बता दूं। Sir, so do you intend that I should go through the block chemistry NCERT? Yaar, agar aapka KVPI kab hai aapka? So 7th of November. 7th November hai na? To block pad lijiye, block pad lijiye NCERT se, zarur fayda hoga us. I'll suggest. Okay, sir, fine. Okay. Sir, ek chota sa doubt hai. Bolo bhai. सर, जो आप लाइक परम्यूटेशन से जो नंबर ऑफ जीआई निकालते हैं उससे हम लोग ऑप्टिकल एक्टिव का तो कुछ नहीं बता सकते ना, अनलेस तक किसी स्पेसिफिक केसेस हो जैसे सिमेट्री देखनी पड़ेगी ना उसमें। तो सर ऑप्टिकल के लिए 90% केसेस में ड्रॉ करके बताना होगा ना। बिल्कुल यार, सिमेट्री ढूंढनी पड़ेगी। मैं आपको बताता हूँ कि मतलब अंशुल को तो आप जानते होंगे ना, अंशुल और मैंने बहुत बहुत बैठ के हमने मतलब डिस्कस किया है ये सब ऑक्टाहेड्रल, हमें अभी तक कोई मेथड नहीं मिला मतलब जिससे ऑप्टिकल को इंक्लूड कर लें हम, नहीं नहीं हो पाएगा। सिमेट्री तो आपको चेक ही करनी पड़ेगी भाई। अच्छा, ओके सर, गॉट इट। है ना, तो मैंने मैथ्स के अच्छे अच्छे टीचर इंडिया के, मतलब अंशुल तो एक है, मतलब और भी हैदराबाद के भी कई टीचर हैं जो आप नहीं जानते नाम, लेकिन वो बहुत पॉपुलर टीचर्स हैं। तो मैंने उनसे भी बहुत मतलब माथापच्ची करी है, मतलब डिस्कस करा ऑक्टाहेड्रल, बट कोई जनरल मेथड नहीं आया। ओके सर, गॉट। सर आप एक आईयूपीएससी का शीट भेजने वाले थे। यार मैं भूल गया, मतलब आज भेज देता हूँ यार। ओके सर, आप कुछ और बोल रहे थे। अब यार मैं मुझे तो पता नहीं क्या क्या बोलता रहता हूँ यार, मुझे खुद नहीं याद रहता। सर नहीं, केवीपीवाई से रिलेटेड आप कुछ। केवीपीआई के लिए मैं यही कहूंगा ब्लॉक्स पढ़ ले यार, है ना? मतलब वो ब्लॉक बेस्ड क्वेश्चन ही होंगे। कोऑर्डिनेशन में सवाल जो आता है ना केवीपीआई में, मोस्टली एक तो नॉमेनक्लेचर का सवाल आता है, और आईएसओ का थोड़ा आसान सवाल देते वो लोग, मतलब इतना ज्यादा भी मुश्किल नहीं देते आईआईटी जितना, ठीक है? मतलब आसान सवाल आता है, तो कोऑर्डिनेशन हैज अ डीसेंट वेटेज इन केवीपीआई, है ना? सो लेट मी कंप्लीट कोऑर्डिनेशन, लाइक उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का क्वेश्चन आता है, हाइब्रिडाइजेशन का क्वेश्चन आता है, तो वंस आई डू इट कंप्लीट, मैं पूरा कर लूंगा तो फिर तेरे को वो चैप्टर में तो कोई दिक्कत नहीं होगी मोस्ट प्रोबेबली। एंड ब्लॉक को तू रीड कर ले अभी से, वो हेल्पफुल होगा आगे के लिए, राइट? एंड हाउ इज योर बॉन्डिंग? सर डीसेंट। डीसेंट, बॉन्डिंग को अच्छा कर ले बेटे, बॉन्डिंग अच्छा होगा तो अपने आप ब्लॉक अच्छा हो जाएगा, समझ रहा है? यस सर, थैंक यू। ओके ओके सर, मुझे एक डाउट था। बोलो भाई। सर आपने निकेल डीएमजी ट्वाइस का स्ट्रक्चर दिया था ना, उसमें आपने बोला था सारे टाइप के बॉन्ड्स होंगे। यस सर, तो उसमें आयनिक बॉन्ड कौन सा होगा, क्योंकि आपने नाइट्रोजन और भाई भाई अब मैं सुन ले, निकेल प्लस टू है इसमें। हाँ सर। ओ माइनस है। हाँ सर। उनके बीच में क्या इंटरेक्शन है? आयनिक इंटरेक्शन है ना। अच्छा सर, थैंक यू सर। ओके बेटे, नाम क्या आपका? चिन्मय। चिन,
चलिए भाई, और कोई बच्चा अगर कुछ पूछना चाहता तो बताइए, नहीं तो मैं लॉग आउट कर दूं फिर। अब एक बार आपको C2O4 2- वाले क्वेश्चन में जाएंगे क्या जवाब आपको? भाई मैं चला गया उस पे मेंटली, बताइए आप क्या बताओ। उसमें आप SN वगैरह का कुछ समझा रहे थे, वो समझा नहीं एग्जैक्टली मतलब। भाई मैंने बताया आइडेंटिटेट के कोऑर्डिनेटिंग साइड से होने चाहिए, उससे साइसोमर रिएक्ट करेगा, ट्रांस रिएक्ट नहीं करेगा। ऐसा क्यों बट सेस करेगा ट्रांस? ट्रांस मतलब दोबारा बोल रहा हूँ, बाइडेंटेट के कोऑर्डिनेटिंग साइड ट्रांस नहीं हो सकते, ऑक्सिलेट आएगा तो सिस से ही आ सकता है वो। अच्छा समझ गया सर, ओके थैंक यू। या एनीवन एल्स हैविंग एनी डाउट और समथिंग? हेलो सर। यस सर, उसका कुछ स्पेसिफिक रीजन है कि बाइडेंटेट लाइगेंड्स बस सिस मतलब कोऑर्डिनेट करता है? मतलब एक बड़ा मॉलिक्यूल होगा तो मतलब ट्रांस से मतलब नहीं होता, मतलब इतना बड़ा लाइगेंड नहीं होता ऐसा, मतलब कोई भी बायरेंटेड ऐसा नोन नहीं है जो ट्रांस से करता हो, कॉम्प्लेक्स विल बी टू स्ट्रेट। ओके सर थैंक यू। ट्राइडेंटेट में ऐसा हो जाता है बेटे, ट्रांस आ जाती है, ट्राई में आ जाता है, टेट्रा में आ जाता है, पेंटा में आ जाता है, हेक्सा में आ जाता है, बट बाय में नहीं आता यार। सर हम ट्राइटेट्रा के भी केसेस करेंगे आइसोमर्स। एक दो मैं क्वेश्चंस दूंगा, वैसे मतलब उतना पूछे नहीं जाते वो, बट मैं दूंगा एक दो क्वेश्चंस। सर एक टाइम आप वो MAB3 का एक टाइम बता सकते हैं बस आंसर? आंसर बोल। सर मुझे 4 स्टीरियो एंड 2 GI। बस सही है सर आंसर, बढ़िया। और उसमें एक पेचियल होगा, एक मेरिडियनल होगा, ठीक है? हाँ सर, हाँ सर कर। टेबल जरूर बनाना, मतलब ये टेबल भूल मत जाना। और सर कौन सा टेबल मैंने बोला था? आपको भी टेबल नहीं बताया? अच्छा आपकी बैच की सर, ये भी हमारे बैच में नहीं था। हाँ हाँ हाँ, मतलब ये मैं दूसरे बैच के फोटो ले रहा हूँ, उनको भेज। ओके ओके बच्चों, क्या कर रहे हैं, लॉग आउट कर रहे हैं? यस थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ओके ओके बच्चे, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।